टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Beautiful introduction. I think I was gonna cry. Really? You cry like quite easily. मैंने ये देखा. I actually don't. और मैंने within 31 seconds, if not less, मैंने complete कर लिया. अच्छा. Yeah. आगे जाके fail हो गई. नहीं सर fail. I'm like. एक मिनट में करना था मैंने 30 सेकंड में किया. What is wrong with you guys? या वो while growing up घर पे उर्दू बोली जाती थी. घर पे उर्दू बोली जाती थी लेकिन अगर आप वो वाली उर्दू सुनते मेरी तो मेरी काकी का बहुत मसला था. लाइक मैं लड़कों बिलावल भुट्टो साहब की तरह उससे भी बुरा. हेलो अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज हसन चौधरी. आप देख रहे हैं द बिग पिक. आई होप विश एंड प्रे आप जहां पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं. गर्मी जोर पकड़ रही है. जहां पर मौसमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है वहीं पर सियासत में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से ऊंचाई की तरफ जा रहा है. मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने सारे सियासी लीडरान से कि प्लीज़ जब भी आप टेलीविज़न के ऊपर आएँ अपनी लैंग्वेज का ज़रूर ख्याल रखें. आप लोग कभी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि फैमिली के साथ क्या तन्हाई में भी नहीं सुनने के काबिल होते. सो प्लीज़ कंट्रोल करें. मुझे नहीं पता पैमरा कहाँ है. शायद वो हमारी इस बात के ऊपर बात करने का नोटिस ले ले लेकिन जो टीवी शोज़ के ऊपर अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है जो बातें हो रही हैं उस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा. तो पैमरा वालों से भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ अपनी आंखें खोलें और आंखों से ज़्यादा सर कान खोलें और जो कान जिस चीज़ पे धरने के लिए हैं उस पे कान धरें और इस मामले को सुलझाएं. और जहां गर्मी की बात हो वहां पे गर्मा गर्म खबर आपके लिए लेके आए हम एंटरटेनमेंट की दुनिया से. अहद रज़ा मीर पॉपुलर पाकिस्तानी स्टार उन्होंने अपना एक पहला नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट साइन कर लिया है. रेजिडेंट ईविल में वो नज़र आएंगे बहुत जल्द. 14 जुलाई को गालिबन प्रेमियर होने जा रही है ये सीरीज़. इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़. अहद को बहुत मुबारकबाद हो. लेकिन आपको याद होगा इसी साल जनवरी में हुमायूं सईद एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी एक्टर टू हैव साइंड ऑन अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल. हुमायूं लेटर ऑन दिस ईयर हमें नज़र आएंगे द क्राउन में जिसमें वो डॉक्टर हसनात का रोल प्ले कर रहे होंगे और प्रिंसेस डायना को रोमांस कर रहे होंगे. हुमायूं सईद से बेहतर रोमांस करना मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई और एक्टर कर सकता है. तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीरीज़ इज़ वेल. आप जहाँ बात हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि सना जावेद ने उन लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर मिसबिहेवियर का इल्ज़ाम लगाया था लीगल नोटिसेस डेफेमेशन नोटिसेस भिजवाए हैं. लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि उनमें से दो लोग उमेर वकार एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और अनीला मुर्तज़ा एक स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने काउंटर डेफेमेशन नोटिसेस या काउंटर नोटिसेस आई डोंट थिंक डेफेमेशन नोटिसेस हैं काउंटर नोटिसेस सना जावेद को भिजवा दिए हैं. मैं सोच रहा था कि इतना आसान हो गया आजकल किसी को भी एक लीगल नोटिस भेजना. मैं शायद यहाँ पे इस शो के बाद असफर भाई को एक लीगल नोटिस भेज दूँ काउंटर में वो एक लीगल नोटिस मुझे भेज दें हम दोनों मिलके हमारे प्रोड्यूसर्स को एक लीगल नोटिस भेज दें प्रोड्यूसर वापस हमें भेज दें फिर हम टीवी चैनल को भेज दें. इससे होगा क्या और इससे हो क्या रहा है. इससे पहले हमने देखा अली ज़फ़र मीशा शफ़ी के केस में अली ज़फ़र ने एक डेफेमेशन केस मीशा शफ़ी के खिलाफ फ़ाइल किया मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ फ़ाइल किया. अब ये सना जावेद वाली कहानी हो गई. What are we achieving? और इससे एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि हमारे जो स्टार्स हैं या हम लोग हैं हमारा हमारी अदालतों में या इंसाफ को लेके एतमाद बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया. सो ये भी एक फूड फॉर थॉट है और आप भी इसके बारे में सोचें मुझे भी बताएं और ये भी बताएं किसी अच्छे लॉयर का नंबर दे दें कि अगर किसी को तपाने के लिए या थ्रेटन करने के लिए लीगल नोटिस भेजना हो तो उसका प्रोसीजर है क्या. माइट कम इन हैंडी समडे. लीगल नोटिस से आगे बढ़ते हुए और सना जावेद से ही रिलेटेड एक बात आपको बताना चाहूँगा. सना जावेद का एक ड्रामा आजकल आ रहा है टेलीविज़न के ऊपर जिसका नाम है ए मुश्तखाक. बड़े पॉपुलर ड्रामा है. उसी ड्रामे के एक कास्ट मेंबर हैं दानियाल अफजल खान जो कि तकी का रोल प्ले कर रहे हैं. मैंने उनका भी रिसेंटली इंटरव्यू किया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म समथिंग हॉट के लिए जिसमें दानियाल ने ये कहा कि वर्किंग इन ए मुश्तखाक वॉज द मोस्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ. नेचुरली मैंने जब उनसे ये सवाल किया वो कि क्या वो इस वजह से ये बात कह रहे हैं क्योंकि सना जावेद उनके साथ काम करनी थी तो उन्होंने इस बात से तो इनकार कर दिया लेकिन खुल के ये बयान नहीं किया कि उनका ए मुश्तखाक में काम करना उनकी ज़िंदगी का सबसे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस क्यों था. लेकिन अगर वो आप वो इंटरव्यू देखें देर इज़ अ लॉट टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स. उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो बड़े स्टार हैं वो बहुत नाजायज़
कभी कभी हरकत कर जाते हैं सेट के ऊपर, मसलन अगर किसी दिन कोई बड़ा स्टार लेट आएगा तो उनकी कोई पूछगछ नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई सपोर्ट कास्ट का मेंबर या जूनियर आर्टिस्ट देर से आएगा तो उनकी अच्छी खासी खिंचाई होती है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो लीडिंग कास्ट मेंबर्स हैं उनके साथ जो प्रोडक्शन हाउसेज के अग्रीमेंट्स होते हैं वो इतने बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन जो जूनियर कास्ट मेंबर्स होते हैं या सपोर्ट कास्ट के मेंबरान होते हैं या नए लड़के लड़कियां ड्रामे में काम कर रहे होते हैं उनकी काफ़ी आम ट्विस्टिंग होती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। इसी से रिलेटेड एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने भी वो वायरल क्लिप देखा हो जिसमें गालिबन अंगना ड्रामे का वो क्लिप है जिसमें हम देख सकते हैं रुबीना अशरफ साहिबा को, अली अब्बास को और रबाब हाशिम को, जिसमें अली अब्बास का किरदार अपनी माँ यानी कि रुबीना अशरफ साहिबा के किरदार के कहने पर अपनी बीवी यानी कि रबाब हाशिम के किरदार को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। इसके ऊपर तबसरा करते हुए फसी बारी खान हमारे बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक मज़दूर या जफाकश अदाकार जिसने अपना घर चलाना हो, अपना किचन चलाना हो, उसका ऐसे ड्रामों का हिस्सा बनना, ऐसे किरदार निभाना समझ में आता है, लेकिन बड़े अदाकार का या वो अदाकार जो सीमिंगली वेल ऑफ हैं या उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा क्यों बनते हैं? दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द व्यूअर्स एज वेल एज द मेम्बर्स ऑफ देयर फ्रेटर्निटी। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है फसी भाई की, और हमें भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि वो अदाकार जिनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्ट्रगल नहीं करे, स्पेशली हमारी सीनियर अदाकारा जैसे कि रुबीना अशरफ साहब हैं। और यहाँ पे मैं रुबीना अशरफ साहबा का नाम ही नहीं लूँगा, रिसेंटली हमने सबा हमीद साहबा को देखा मेरे हमसफ़र में जहाँ पर उन्हें वसीम अब्बास साहब का किरदार थप्पड़ भी जड़ता है, और ना सिर्फ थप्पड़ मारता है बल्कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ उनसे रवैया, उनके किरदार के साथ वो रवैया इख्तियार करता है। सो अगेन हमारे जो सीनियर वेटरन एक्टर्स हैं जो कि खुद डायरेक्टर भी हैं उनसे इस तरह की तवक्कोआत नहीं रखी जा सकती, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि एटलीस्ट जो ख़वातीन का पोर्ट्रेयल है हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर और स्पेशली उनमें से भी जो सीनियर अदाकार हैं, सीनियर फीमेल अदाकार हैं, उनको इस तरह के किरदार बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए, बिल्कुल नहीं पोर्ट्रे करने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं चलते चलते छोटे छोटे कदम लेते हुए हम बेहतरी की तरफ जाएं। और इवेंचुअली मेरी दुआ है कि हमारा जो फीमेल अदाकारों का पोर्ट्रेयल है या फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल है वो बेहतर से बेहतर होता जाए। एक खुशी की खबर ये है कि हारता हुआ मैच हम ड्रॉ कर गए, जीते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक हो, 196 उन्होंने हिट किया, 200 होने से 4 रन शॉर्ट थे, बट फिर भी थैंक यू बाबर आजम फॉर सेविंग द मैच। आप लोगों ने सुना होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन कभी कभी हारने से बचाने वाले को और मैच ड्रॉ कराने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा बाबर आजम कहते हैं। सो थैंक यू बाबर आजम, आपने हमें बचा लिया। ये बातें तो चलती रहेंगी, आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी आज की गेस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पे जाना जरूरी है। और आपको ये बताना जरूरी है, जब मैं आ रहा था तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा आप ये आज जरूर कहना कि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे सिन्फे आन वाली लड़की के साथ, तो कहीं जाइएगा मत, एक बहुत ही छोटी ब्रेक के बाद हम वापिस आएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे सिन्फे आन वाली लड़की के साथ। माई गेस्ट नाइट इज़ कुबरा खान, और इससे पहले कि मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, एज ऑलवेज मैं चाहूँगा कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कोई फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो जब यहाँ आए तो हम उनसे इन फैक्ट से आगे की कहानी डिस्कस करें। कुबरा वॉज बॉर्न इन कबीरवाला इन पाकिस्तान, शी वॉज ओनली 6 मंथ्स ओल्ड व्हेन शी मूव टू लंडन। जब वो 16 साल की थी तो उनको पहली मॉडलिंग असाइनमेंट की ऑफर हुई, उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुबरा का एक्टिंग डेब्यू किसी ड्रामे या फिल्म में नहीं हुआ, वो एक म्यूजिक वीडियो में हुआ, जो म्यूजिक वीडियो वो चाहती है कि कभी भी कोई ना देखे। पहली फिल्म की ऑफर कुबरा को फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हुई, और तब से लेके अब तक वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, मैं तो कहूँगा राज कर रही हैं, बिकॉज पिछली तीनों जो उनकी परफॉर्मेंसेज थी मेरे हिसाब से आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। कुबरा एक बहुत अच्छी और बेहतरीन अदाकारा तो है ही, इनफैक्ट वो ये कह चुकी हैं She didn't choose acting, acting chose her. बेहतरीन अदाकारा तो वो हैं ही, और हम उनको टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखते रहते हैं, फिल्मों में भी हमने उनको देखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जितनी अच्छी अदाकारा हैं उससे बहुत अच्छी इंसान है। She is one of the warmest and nicest people I know in the industry. Please join me in welcoming, ladies and gentlemen, Kubra Khan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Please have a seat. Thank you so much. That was such a
beautiful introduction. I think I was going to cry. Really? You cry like quite easily. मैंने ये देखा. I actually don't. Thank you for coming, Kubra. Thank you for having me. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. आप तो माशाल्लाह, जैसे मैं कह रहा था कि टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर ऐसा लग रहा है राज कर रही हैं. हम कहाँ के सच्चे थे. सिन्फे आहन. एंड इवन दो माशाल्लाह ऑल द अदर गर्ल्स आर देयर एज वेल. और सबका बड़ा अच्छा रोल है. लेकिन जो फैंस हैं वो एलसी माजबीन के साथ कोई अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं. एंड विल कम टू दैट. एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव गॉट सिन्फे आहन. एंड देन संडे को ऑफ कोर्स आपका आता है संगे माँ. तो सैटरडे को आता है सिन्फे आहन, संडे को आता है संगे माँ. एंड संडे को ही हम कहाँ के सच्चे थे को रिप्लेस किया संगे माँ ने. सो ये क्या मतलब, कौन सा मिडास टच चल रहा है आपका आजकल? I don't know. It's honestly it's a blessing, I would say, कि हमें खुद नहीं पता था कि हम कहाँ के सच्चे थे कि स्लॉट को संगे माँ ही रिप्लेस करेगा. But alhamdulillah, they're both doing well. And I mean, I can't single-handedly take credit for it, obviously, because it's not just me. I think it's the team. I mean, हम कहाँ के सच्चे थे में भी Mahira was fantastic, Usman was fantastic. Obviously, Umaira ji had written such a great script as well, and then Dada. What he did. So I think it's teamwork and I'm just blessed to be part of great teams. I think that's what it is. Nahi, wo to sab theek hai. Choose to aap kar rahi hai na sare project. To hum kahan ke sachche the bhi aapne choose kiya. Ji ji ji. Sinfe Aahan bhi aapne choose kiya. Sange Maa bhi aapne choose kiya. To ye kya wajah hai? Kya kha ke aap choose kar rahi hai sare projects? I think mere liye bahut important hai ki main, I mean, character se kuch seekh sakun. पहली बात ये, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई शुड बी एबल टू वन एम्पथाइज विद द कैरेक्टर और दूसरा मैं उसे कुछ सीख सकूं. और अगर मैं कुछ सीख रही हूँ इसका मतलब है कि ऑडियंस भी कुछ ना कुछ सीखेगी. आई फील लाइक हमारा रोल सिखाना नहीं है, लेकिन सिनेरियोस दिखा दिखा के आई फील लाइक लोग पिक करते हैं कि यू नो क्या सही है क्या गलत है. एंड हालांकि माई कैरेक्टर एट द स्टार्ट वॉज वेरी नेगेटिव एंड हम कहाँ के सच्चे थे, लेकिन लोगों ने बहुत चीज़ें पिक की और उनको पता चला कि उसकी वजह क्या थी. मशल जो थी, द वे शी वॉज, उसकी वजह क्या थी. एंड आई किड यू नॉट, हमने जो इंटरव्यू किया था उसके बाद मुझे आई वुडंट से डिफरेंट मुल्कों से, आई मीन पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस आए कि कोई आदमी कह रहा है कि अपने मैं अपनी बेटी को ऐसे बनाना चाहता हूँ या मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस चीज़ से गो थ्रू करे एंड स्टफ. सो आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिलेट और एटलीस्ट एम्पथाइज विद द कैरेक्टर टू व्हाटएवर एक्सटेंट. आपने मुझे ये भी बताया था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि मशल की कहानी बहुत सारे लोगों के साथ इसलिए भी रेजोनेट की कि उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स का एटीट्यूड वैसा है. Exactly. जैसा मशल के पेरेंट्स का उसके साथ था. बिल्कुल बिल्कुल यही था. आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज. एक तो या तो एटीट्यूड उनका वैसा था या कुछ लाइक बाद में जो मुझे मैसेजेस आए कुछ पेरेंट्स ने ऐसे कहा कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते अगर हम लड़ते हैं अपने बच्चों के सामने या हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं या हमारा कोई एटीट्यूड होता है बच्चों के सामने. वी डोंट रियलाइज़ कि वो पिक करते हैं इस चीज़ को. एंड किड्स डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे विल डू व्हाट दे सी, राइट? तो इस वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ किड्स appreciated Mashal's character. और funny बात यह कि आप कह रहे हैं कि मैंने Mashal choose किया. funny enough, I didn't. मुझे actually बहुत डांट के choose करवाया गया था Mashal का character की जब मुझे call आई थी. तो I think I was in London that time. तो मुझे Neena called me and she said कि you know it's a character and it's a negative character. तो I was like Neena, I don't want to do a negative character. मैं अभी मैं काफ़ी time से screen पर नहीं आई तो I don't want to start with a negative character. She's like नहीं तो पढ़ लो स्टोरी सुन लो. एंड I was like okay, मैंने स्टोरी सुनी पढ़ा भी मुझे समझ फिर भी नहीं आई. फिर मुझे कोई तीन दफ़ा कहने के बाद मुझे कॉल आती है एक महेश भाई की हु इज़ एट MD प्रोडक्शन. सुने जी कोई आपसे बात करना चाहता है. तो मैंने कहा जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ मुझे भाभी की आवाज़ आती है, मोमिना दुरैद की आवाज़ आती है. सुनो तुम पागल तो नहीं हो? अब लाइक क्या होता है, यू नो शी लेड इट आउट फॉर मी एंड शी सेड तुम कर रही हो, ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास. तो चलें ठीक है. क्या चीज़ थी जो आपको रोक रही थी? I think मेरा जो मेन इशू था वो ये था कि आई डिड नॉट वॉन्ट Mashal टू कम अक्रॉस एज नेगेटिव. तो वो थी, लेकिन एक होता है नेगेटिव होना और फिर एक होता है अनोइंगली नेगेटिव होना. लाइक व्हेन पीपल सी यू ऑन द स्क्रीन यू जस्ट वांट टू लाइक स्लैप द पर्सन. आई डिडंट वांट टू बी दैट. ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मैंने भी आपको मैसेज किया और कितने लोगों का मैसेज आया जब Mashal वाज किल्ड ऑफ एंड एवरीवन लाइक वी फील सैड दैट शी वाज किल्ड ऑफ. यस, सो वी वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट. सो आई एक्चुअली सेड कि जब मैंने हां भी की तो आई सेड कि बस एक ये रिक्वेस्ट है कि Mashal को लोग हेट तो करेंगे, नफरत तो करेंगे उससे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनको हो के लाइक यू नो शी इज अनोइंग. आई डिडंट वांट हर टू बी अनोइंग टू दैट एक्सटेंट कि लोग टीवी के अंदर मुझे मारे. सो व्हाट वाज द प्रोसेस? वो क्या आपने कैसे डिसाइड किया कि यार कि वो अनोइंग वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी? लाइक आई सेड मेरे लिए
अगर मैं कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज कर रही हूँ इसका मतलब मैं उसको समझ रही हूँ राइट. हालांकि शी वॉज एन एंटेगनिस्ट लेकिन उसकी भी एक पूरी स्टोरी थी कि वाई शी वॉज एन एंटेगनिस्ट. सो आई थिंक उसको ह्यूमनाइज करना ज़रूरी था मेरे लिए और ह्यूमनाइज करने का प्रोसेस सिर्फ यही था कि अगर मुझे उसकी समझ नहीं आएगी तो किसी और को भी नहीं आएगी. तो आई न्यू कि शी वॉज द वे आई मीन वाई शी वॉज द वे शी वॉज. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. सो जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया दादा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया दैट वाज इट. चले हम कहाँ के सच्चे थे अब खत्म हुए. थोड़ा सा वक्त भी गुजर चुका है और मैं और आप तो इस पे बहुत लंबी एक डिस्कशन कर भी चुके हैं हमारे प्रीवियस इंटरव्यू में. बिल्कुल. मूविंग ऑन टू संगे माँ एंड सिन्फे आहन, पहले आपके पास कौन सा स्क्रिप्ट आया? संगे माँ. संगे माँ पहले आया था. एंड दिस इज व्हाइल यू वर ऑलरेडी शूटिंग हम कहाँ के सच्चे थे? नो दिस इज 2 इयर्स अगो. दिस इज 2 इयर्स प्री कोविड. Yes. अच्छा. Pre-COVID. So what took you guys so long to? संगे माँ बन नहीं रहा था उस टाइम. मुझे संगे मरमर के आतिफ असलम वाले किरदार की कास्टिंग नहीं हो पा रही थी. नहीं लेकिन आई थिंक जिसका भी नाम आता था कोई ना कोई इख्तलाफ आ जाता था किसी ना किसी की तरफ से. लेकिन जब आतिफ का नाम आया तो आई थिंक दैट वाज द ओनली वन नेम एवरीबॉडी एग्रीड ऑन इट. अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज सो यू आर सेइंग दैट आतिफ वाजंट ऑब्वियसली द फर्स्ट चॉइस फॉर द ड्रामा. या Okay. No, but the only reason for that is कि drama, like I was telling you, संगे मरमर के 2 साल के बाद ही मुझे पता चल गया था कि संगे मरमर part 2 आने वाला है. अच्छा. And I was like, नहीं part 2 क्यों बना रहे हैं इसका? Don't do that. Don't let it be. You know. So like, नहीं, it's not going to be like a sequel, but it'll be from the same series of it. अच्छा. So I said, okay. And you were approached even then, तभी से. मजाक मजाक में मुस्तफा भाई ने कहा था कि तुम वो करोगी. And I was like, okay, ठीक है. फिर थोड़ी देर बाद ये बात जब ज्यादा materialize होना शुरू हुई तो सैफी भाई ने भी कहा कि संगे उसका नाम संगे माँ का नाम वज़गग. अच्छा ठीक है. Now we know what गग means. Yes, now you know what गग means. So actually संगे माँ का नाम गग था. And he said कि जब गग बनेगा you're gonna do it. So बिना स्टोरी सुने बिना कुछ कहे because I like blindly trust सैफी भाई. Of course संगे मरमर was your you know exactly he's been my mentor. Exactly he's been my one of my strongest mentors. I mean he's supported me through a lot you yeah. know like for example meri pehli directorial unke saath thi like you know he yeah. directed me for the first time. He was my father in Muqabil, he was my husband in Alif. He was so many different characters he's played with me you know as well. Sabhi bhai was your husband in Alif? Alif, yeah. Remember when I got married after Taha died? Yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Exactly. Of course, of course, Steffi of course. Bhai was my husband in that. Wow, like, that's such a funny line. Fact, तो नहीं हमें पता ही था, हमने देखा वो drama. हाँ, exactly, exactly. तो यही है कि वो इतने मेरे mentor रहे हैं throughout, तो मैं उनको blindly trust करती हूँ इस बात पे. तो जब उन्होंने कहा, तो script का मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुस्तफा भाई लिख रहे हैं. तो मैंने हाँ कर दी उस टाइम. हाँ कर दी हुई थी. हाँ कर दी. ये नहीं पता था रोल क्या है क्या है. कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता था. बस आतिफ के ऑपोजिट हूँ मैं या नहीं. ये भी नहीं पता था मुझे. अब तो है ना आतिफ के ऑपोजिट आप. I mean, ये तो बहुत obvious चीज़ है. अब तो मैं ना भी कहूँ तो लोगों को पता है हिलजाद. Did you know there's a hashtag called हिलजाद? हिलजाद? No, I didn't know, but it's the cutest thing ever. हिलजाद. रोज सुबह अपना Twitter या Instagram खोलती हूँ तो हिलजाद के hashtags आए होते हैं उसपे और cute cute सी वो बनी होती हैं. So I'm just like that's cute. That's the first for me. तो yeah. लेकिन उस time मुझे नहीं पता था. और उस time कोई cast भी lock नहीं थी. बस ये था कि नुमान भाई होंगे उसमें. मेरे लिए कुबरा मैं उस दिन अपने रिव्यू में बात कर रहा था वो जो शहरजाद और हिलमंद की मीटिंग हुई है ना कब्रिस्तान में जब वो उसको कन्फ्रंट करने जाती है उसके माँ के बिहाफ पे. And she's there. Actually, she's speechless. She can't even utter a word. उसे बोला ही नहीं जा रहा. I thought that was the most beautifully shot romantic scene that I have seen on a drama screen. Aww. And credit obviously goes to Saifi bhai as well and Mustafa bhai जैसे उन्होंने लिखा. But जैसे आपने और आतिफ ने perform किया, आपके silence में और आपके चेहरे के ऊपर वो जो expression और एक जो innocent adorable प्यार था हिलमंद के लिए वो कैसे अचीव किया आपने? अगर मैं चाहूं कि किसी की आंखों में वैसा प्यार आए मेरे लिए तो मुझे क्या उनको कैसे मतलब क्या कैसे करूं मैं ये? मुझे आतिफ बनना पड़ेगा उसके लिए. नहीं, फनी बात ये जब हमने शूट किया था तो आतिफ और मेरी हमारी फनी नफ सेट पे इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी. हमारी इंटरेक्शन सारे तो आपके सीन्स हिलमंद ऐसा लग रहा है हमें अब के हैं
लेकिन वैसे ऑफ सेट इतनी इंट्रैक्शन हमारी नहीं थी उस दौरान. फटा तो नहीं हो गया था आपका आतिफ के साथ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत हम्बल इंसान है. तो फिर क्यों आपकी ऑफ स्क्रीन इंटरेक्शन नहीं हो रही थी? विल स्टे हियर फॉर अ व्हाइल ऑन दिस क्वेश्चन नाउ, प्लीज प्लीज टेल मी. मतलब इंटरेक्शन उस तरह से हम, मैं मेरे और भी सीन्स थे, बाकी लोगों के साथ भी सीन्स थे. नहीं तो व्हाई वुड यू लाइक चैटिंग विद आतिफ ऑफ, व्हाट वाज गोइंग ऑन? हम ओके काफी दफा ऐसा होता था कि हम डिफरेंट टाइम्स पे आते थे सेट के ऊपर. okay. तो एक ही वजह थी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा सीन है तो आज मोस्ट लाइकली आतिफ वोंट इवन बी देयर, मानसेरा में ही नहीं होंगे. हाँ, okay. you know, तो या फिर मैं भी चली जाती थी. तो हमारे कुछ दिन ही थे जब हमारा लगातार काम हुआ था, जो सीन्स देख रहे हैं आप, तो उसमें आप कितनी बात कर सकते हो. ठीक है. हाँ. तो वो सीन के लिए आप बता रही थी कि क्या प्रोसेस है, क्या हुआ? I'm just laughing at you, like, कैसे करेंगे? जो आप मुझे बता रही थी. हाँ, हाँ. कि वो जो सीन था उसका प्रोसेस क्या था? उसके लिए बस ये था कि अगेन लाइक आई सेड, किरदार को समझना बहुत जरूरी था मेरे लिए. और उसकी वजह ये थी कि एक तो उसने देखा हिलमंत को, ठीक है, और अचानक से एक टिक टिक हुआ और हिलमंत को भी वो फ्लैशबैक भी आया उसको. हाँ जी एग्जैक्टली. तो जब हिलमंत ने वो चादर मेरे ऊपर डाली है और मुझे फ्लैशबैक आया कि बचपन में मेरे साथ क्या, मेरे से हमेशा चादर नोची गई है. तो एक इंसान सामने आके कह रहा है कि यू नो एक प्रोटेक्टर बन गया, और वो कह रहा है कि लस्पिरान के मजलूम हिलमंत की दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले. तो क्या लाइन थी यार वो, है ना? क्या लाइन थी यार वो. तो कोई भी पिघल जाएगा, हमें कोई मर्द खड़ा होता सामने तो पिघल जाता है. मैं पिघल गया था घर में बैठे देखते देखते. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आई थिंक यही था, आई थिंक लफ्जों को महसूस करना और उस सिचुएशन को महसूस करना तो निकल आता खुद ब खुद. तो आपकी सेट पे फिर दोस्ती किस किस के साथ थी? सबके साथ. सबके साथ आतिफ के साथ भी थी? हालांकि आपकी ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं, लेकिन आतिफ गाने नहीं सुनाते थे सेट के ऊपर? नहीं नहीं, वो एक्टिंग करने आते थे यार. तो वैसे वो रात को किसी दिन बैठे हुए ऐसे सारे एक्टर्स बैठे हुए, उन्होंने कोई आलाप शुरू कर दिया. फनी बात ये है कि हम सारे मिलके कभी बैठ नहीं सके, कि कभी भी सब साथ में होते नहीं थे. यू नो व्हाट आई मीन, कि हानि का अपना काम था, जावियार का अपना काम था, हम सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रामे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में बिजी थे. तो कभी भी पूरी कास्ट सेट पे मौजूद थी नहीं. अच्छा ये पता है, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं ना ड्रामा, तो हमें लग रहा होता है कि ये बड़ी कोई ना पिकनिक हो रही होगी इन सब की. हाँ, शूटिंग के बाद ये सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे सेट के ऊपर. हाँ, और बड़ा शुगल हो रहा होगा. ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस. हाँ एक दफा ऐसा हुआ था, आई थिंक वो आखिरी दिन था शूट का, खत्म हो गया था शूट हमारा और सर्दी बहुत थी, तो पूरा क्रू कास्ट हर कोई आग लगा के बैठ गया था और बातें थी और गाने थे. That was the only night, I think. उस दिन भी आहानिया नहीं थी, पूरी कास्ट फिर भी नहीं थी, लेकिन हम सारे बैठे थे तब. अब शहजाद की हमें बैक स्टोरी पता चली, एंड ऑब्वियसली यू नो शी इज बीन थ्रू अ ट्रॉमा, और उसको एक प्रोटेक्टर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसको एक मिल गया हिलमंद की सूरत में. बिल्कुल. अभी जब आखिरी किस, जहाँ तक पता नहीं मुझे कि हमारी एपिसोड ऑन एयर कब जाएगी, ये हमारा इंटरव्यू कब ऑन एयर होगा, बट जितना हमने ड्रामा देखा तब तक शहजाद इज एक्चुअली गॉन बैक टू द सिटी. ओके. और वहां पे भी अगेन उसके बॉस ने उसको फिर हरास करने की कोशिश की है. बिल्कुल, बिल्कुल, और वो वहां से उस गुस्से में वॉक आउट कर गई है. बिल्कुल बिल्कुल. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर शहजाद? अ लॉट, लाइक लिटरली अ लॉट. अभी तो शहजाद की कहानी शुरू नहीं हुई सही तरह. अभी शुरू हुई भी नहीं है. अभी शुरू बिल्कुल भी नहीं हुई शहजाद की कहानी, क्योंकि अभी तो वो देख रही है, लाइक वो कहीं किसी और शहर की है, वो शहर की बंदी है, और शी इज कम टू दिस प्लेस लस्पिरान, और अभी वो समझ रही है कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक मैं कहाँ आ गई हूँ kind of thing. तो शी इज़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अभी तो. लेकिन अभी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता. ऑब्वियसली इट विल बी अनफेयर कि मैं आपसे पूछूं कि क्या है तो मुझे बताएं. बिल्कुल, बिल्कुल. बट जैसे आपने बताया कि आपके प्रोसेस का ये भी हिस्सा है कि यू पिक अप कैरेक्टर जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो शहजाद को पिक करने का क्या पीछे क्या सोच थी, किस तरह का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में शहजाद की वजह से हो? अच्छा लाइक आई सेड कि ये ड्रामा मैंने तब चूज किया था जब मुझे ना स्टोरी का पता था ना मुझे कैरेक्टर का पता था, मुझे आई हैड नो आइडिया ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स. तो शहजाद को चूज करने का लिचली ये था कि इकलौती यही बंदी है जो सारी चीज़ से कनेक्टेड है सम वे और दी अदर. हाँ जी, आई मीन शहर से भी वो कनेक्टेड है, हिलमंद से भी वो कनेक्टेड है, जरगुना से भी, जरसंगा से भी. तो उसके सारे रिलेशनशिप के किरदार से course, भी उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. हाजी मरजान से, हाजी मरजान से. हाँ जी, तो एकलौती लड़की है जो हर जगह को भी भाई बना लिया उसने.
हिकमत को भी भाई बना लिया. आई लाफ बिकॉज मैंने वो सीन देखा एंड आई एम लाइक क्या जबरदस्ती भाई बना रही है इसको, क्या जबरदस्ती घर में आके बैठ गई, वो मिला ही नहीं पहली दफा अभी पहले कभी उसको. लेकिन मुझे उस सीन पे काफ़ी हंसी आई थी जब आई वॉच्ड इट. लेकिन यही है कि इकलौता कैरेक्टर है जो सबसे कनेक्टेड है, तो उसको सबकी स्टोरीज पता है, तो रादर देन कि ऑडियंस क्या सीखेगी उससे, शहरज़ाद ने क्या सीखा है उससे, टू बी ऑनेस्ट, उसके व्यूज कैसे चेंज होते हैं and all that, ye sab, and she might prove to be a catalyst for the story to move forward, exactly, kyunki ab wo connected jis tarah se hai, Zarghuna ne usme confide kar diya sara kuch, exactly exactly, Zarghuna hi hai na, Zarsanga sorry, ye mix up ho jate hain aapko to pata hai na, ha Zarsanga ne confide kar diya apna sab kuch bata diya, we've connected on a whole different level, actually you know I'd like to thank Sherzad because hame samajh nahi aa rahi thi otherwise ke kaun kiska kya wo chakkar hai, to wo Sherzad ki wajah se hame kafi clarity mili, especially the fact ke Haji Mirzan aur Hilman ke beech mein for the longest time sab theek tha, it's only like you know a couple of years ago, yes 1.5 saal pehle ke unke beech mein koi hue ya ladai, so I think the beauty of again संगे माँ इज दैट कुबरा, जैसे जैसे वो अनफोल्ड करता है ना, एक एक लेयर खुलती है, आपको जवाब तो मिलते हैं लेकिन फिर आपके दिमाग में चार और सवाल आ जाते हैं, एंड देन इन एंटिसिपेशन यू वांट टू वॉच इट मोर टू नो कि यार अब इसका क्या जवाब होगा, बिल्कुल, और फिर उसका जवाब मिलता है और फिर और सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल यही है. एंड आई थिंक जिस तरह से लिखा भी हुआ है, जो डायलॉग्स भी हैं, आई मीन चाहे वो हाजी मिर्जान के डायलॉग्स हों, चाहे वो Zarsanga के डायलॉग्स हों, चाहे वो गुलमीना के डायलॉग्स हों या Hilman के डायलॉग्स हों, इट्स सो पावरफुल कि उनको समझते समझते ही आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, यू आर लाइक व्हाट क्या कह रहे हो. अच्छा तो संगे माँ आपको ऑफर हुआ हुआ था, बिल्कुल, और हम कहाँ के सच्चे थे भी, ऑब्वियसली आपको ये तो पहले से संगे माँ ऑफर हुआ हुआ था, और आपने फिल्मिंग कब शुरू की संगे माँ की? अक्टूबर में मेरा ख्याल, अभी पिछले साल, अभी हाँ जी अभी आपने की, तो तब हम कहा के सच्चे थे वो ऑन एयर, ऑन एयर हाँ जी, और फिर साथ ही में अनाउंस हो गया जी सिन्फे आहन. सिन्फे आहन शूट हमने पहले किया था संगे माँ से, संगे माँ से पहले, हाँ जुलाई में आई थिंक अनाउंस हुआ था, हाँ जी हम चले गए थे गुजरांवाला जुलाई में, आप लोग गुजरांवाला चले गए थे. तो सिन्फे आहन पिक करने का क्या थॉट प्रोसेस है, आज हम आपके सारे थॉट प्रोसेसेस जानेंगे. सिन्फे आहन पिक करने का थॉट प्रोसेस, मैंने आपको बताया था ना पहले कि मुझे सिद्रा का रोल ऑफर हुआ, बिल्कुल. सो सिन्फे आहन पिक करने का यही था कि जो कॉन्फ्लिक्ट महज भी निकलौती कैरेक्टर है पूरे ड्रामे में, जिसका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सबका अपनी माँ बहन दादी भाई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट रबिया के साथ तो एक हम देख रहे हैं ना कि उसका कुछ, हाँ, but that's not a big thing. I mean, it is a big thing, but it's not something that affects her life आज. अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि शायद that's part of her growth as a person as well. It is, it's part of a journey, लेकिन महजबीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है, उसको खुद समझ कभी आई नहीं है, क्योंकि उसको अटेंशन वो नहीं मिली अपने माँ बाप से जिसपे वो अपने आप को भी समझ सके, यू नो, उसको हर चीज इन अ गोल्डन प्लेटर मिली है. तो आपको जब हर चीज इतनी आसानी से मिल जाए तो आपको अहमियत नहीं पता चलती उनकी, राइट? तो पीए में जाके जो उसको एहसास होता है जिन चीजों का, द फैक्ट कि उसकी कम्युनिकेशन अपने माँ बाप के साथ इतनी डिस्टर्ब रही है सारी जिंदगी एज वेल, आई रियली लाइक्ड ऑल दैट पार्ट, एंड आई फेल्ट कि काफी लोग इससे रिलेट करेंगे, और काफी लोगों ने रिलेट किया. एक एपिसोड थी जिसके अंदर मैंने अपना खत पढ़ा, आई मीन सुना मैंने खुद. तो वो जो खत था जो मैं माँ बाप को भेजती हूँ, उसमें जो जो बातें कही थी, अगेन आई मीन सो मेनी पीपल रिलेटेड टू इट. हमने भी अपने रिव्यू में बात की थी, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन लेटर्स, और वो जिस तरह से कनेक्ट किया ऑडियंसेस के साथ, आई थिंक इट फेल्ट मोर रियल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सिन्फे आहन का आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मुझे, हम रिव्यू कर रहे हैं और हमें जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक जो कनेक्शन महाजबीन ने एस्टैब्लिश किया है वो बड़ा स्ट्रांग है, और मेरे तो अपने घर में मेरी जो छोटी बेटी है वो महाजबीन की सबसे बड़ी फैन है, और वो उसको बस एम्युलेट करती रहती है, और उसके डायलॉग, और एज स्टाइलिश एज महाजबीन, एंड आई वांट टू बी एज स्टाइलिश एज महाजबीन. ओह दैट्स सो क्यूट. क्या आपको कैसा फीडबैक मिला, ये आपको अंदाजा है जो इम्पैक्ट सिन्फे आहन का एंड इन पर्टिकुलर और द फीमेल कैरेक्टर्स हैव हैड ऑन यू नो एन entire generation of young girls? मुझे अंदाजा है, लेकिन फनी बात यह है कि जब हम शूट कर रहे थे महाजबीन आखिरी सीन तक, आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि आई थिंक मैं बार बार नदीम भाई के पास जाके कहती थी, नदीम भाई इसका मुझे समझ नहीं, आई मीन लाइक इसका आर्क नहीं आ रहा, यू नो क्या सबके पास कुछ ना कुछ टैंजिबल है टू अचीव, ये नहीं कर रही कुछ अचीव, यू नो इस तरह की चीज़ें. आई केप्ट आस्किंग हिम, एंड उन्होंने ये कहा कि जब ये स्टिच टुगेदर होगा ना, यू विल हैव अ बेटर आइडिया.
और जब जब मैं देखती हूँ स्टोरीज, मैं एपिसोड देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि यस, बिकॉज उसका मेन अचीवमेंट है ही जो वो कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो ओवरकम कर रही है, उसकी मेन अचीवमेंट है ही यही. और हम इस चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते कि आजकल हर दूसरा बंदा, यू नो, या हर तीसरा बंदा, इतना दूसरा बंदा किसी ना किसी जंग से गुजर रहा है, जो इंटरनल जंग है, राइट? चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो अच्छा इंसान बनने के लिए हो या अच्छा काम करने के लिए हो. तो लोगों को एहसास नहीं होता कि एवरीबॉडी इज इन सम काइंड ऑफ अ बैटल. तो आई थिंक इसीलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं महाजबीन के साथ, क्योंकि वो किसी के साथ लड़ नहीं रही, उसको बस है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, क्योंकि उसने इतनी सुनने को भी उसने इतनी सुनी भी है बातें हर किसी से, हर कोई इसको ही आके डांटता है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. लोग बड़ा सैड हुए जब महाजबीन के बालों का रंग उसको चेंज करना पड़ा. लोग बड़ा सैड हुए जब वो सैल्यूट में सारे पास हो गए और महाजबीन नहीं पास हुई. एंड बाय द वे आपने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की. मैंने उस सैल्यूट देखा, मैंने कहा आपने काफी अच्छा किया था जो आपका डिसअप्रूव हो गया. हाँ. तो ये मुझे बताए ना, ये जो प्रैक्टिस थी सैल्यूट वाली, इसके पीछे आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ कपल ऑफ स्टोरीज देयर एज वेल. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. क्योंकि आपका अच्छा था. था या नहीं था? मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने सैल्यूट किया, मैंने वॉक किया, सैल्यूट किया, यू नो, एजिडेंट ने कट करवाया हमें, और उनका क्या कि इनको फेल करना है. एंड नदीम भाई सर, यस, ही सर, इनका परफेक्ट सैल्यूट है, मैं इनको फेल नहीं करता. थैंक यू. मैं भी क्या होता है वो, एजिडेंट बन सकता हूँ मैं, यकीन करें. क्योंकि आप जो फेल हुई है ना, वो भी आपका अच्छा था. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड. मैंने ये भी सोचा, मैं कहूँ सलाम साहब, दैट वुडन्ट हैव वर्क्ड. लेकिन ये मेरा सैल्यूट. और मैं अब नाम लू या ना लू, लेकिन कुछ एक दो सैल्यूट्स जो अप्रूव हुए, मुझे लगा वो अच्छे नहीं थे. नहीं, आप मुझसे नाम कह रहे हैं तो आप भी ले नाम प्लीज. मुझे ऑनेस्टली लगा कि सायरा का सैल्यूट इतना अच्छा नहीं था. आपने देखा था सैल्यूट? नहीं. ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, आपने अपना स्किप करके अपना देखा होगा, फिर बाकियों का आपने नहीं देखा. मैंने एक्चुअली पिछले दो एपिसोड नहीं देखे अभी तक. तो मैंने टायर चेंज वाली एपिसोड नहीं देखी अभी तक. मैंने सिर्फ क्लिप्स देखे हैं और मैंने सैल्यूट वाली एपिसोड. अच्छा, सैल्यूट वाली नहीं देखी? हाँ, दोनों नहीं देखी. तो अच्छा, चलें आप फिर. मैं नाम लेने का फिर फायदा क्या हुआ? आई थॉट ये हाल ही का भी सैल्यूट उतना अच्छा नहीं था. हाँ. ये दो सैल्यूट मुझे लगा कि थोड़े वीक थे, और ये प्रूव हो गए. हाँ. आपका मुझे लगा कि होना चाहिए था जस्टिस फॉर माजबीन. जस्टिस फॉर माजबीन, एग्जैक्टली. आपको पता है, जब हम ISSB में थे, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, जो आपको याद हुआ कि वो रेस जो थी, हाँ जी, तो उन्होंने दिया सॉल्ट को, उन्होंने कहा कि करें. एंड आई वाज लाइक, कैसे? एंड लाइक, बस करें. आई वाज लाइक, ओके, ठीक है. एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको जाके करना था. मैंने कहा, मैंने अपने ब्रेन में वर्कआउट किया, और मैंने विद इन 31 सेकेंड्स, इफ नॉट लेस, मैंने कंप्लीट कर लिया था. अच्छा. या आगे जाके फेल हो गई. नहीं सर, फेल अब लाइक एक मिनट में करना था, मैंने 30 सेकंड में किया. व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? लेकिन स्क्रिप्ट में लिखा ही था, स्क्रिप्ट में लिखा था कि बाजबीन ने. आपने वो जंप भी अच्छे की थी, वो जो रस्सियों से उतरना था. बिल्कुल बिल्कुल. वो सारे मैंने सब फेल किया. हालांकि असल में जंप में पता क्या हुआ, जब हम नीचे जा रहे होते हैं, राइट, किसी ने मुझे कहा कि आप जब जाओगे तो आपने पकड़ के जाना नीचे. अब मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो आई सेड कि ओके, ठीक है. पकड़ने की कोशिश की तो मैंने स्लाइड किया, तो मेरी जो उंगली है, इट वाज कंप्लीटली, वाज ब्लड. और उतर के, क्योंकि कैमरा रोल पे था, तो आई वाज लाइक एक्टिंग लाइक महाजबीन. तो जब तक मैं ऑफ कैमरा नहीं हुई, तब मुझे एहसास हुआ कि माय एंटायर हैंड इज फिल्ड विद ब्लड दैट टाइम. सो उस पे ये हुआ था, जो हमारी पहली रेस थी, जिस पे जो पहला हमारा पीटी ग्राउंड में था, पहली रेस थी, हाँ जी, जो PMA के अंदर थी, उसमें भी यही हुआ कि मुझे बेल लेट सुनाई दी, जो सीटी थी लेट सुनाई दी. खैर, आई यूज टू रन फॉर माई स्कूल बैक इन द डेज. मैं 1300 मीटर रेस करती थी, एंड अलहमदुल्ला मैं एक दफ़ा ही सेकंड आई हूँ, उसके अलावा आई कम फर्स्ट एवरी टाइम. अच्छा, माशाल्लाह. हाँ जी, तो अलहमदुल्ला ऐसे कह रही हूँ जैसे इज गिवन मी समथिंग टुडे. बट तो रनिंग आई वॉज गुड एट. तो ये हुआ कि बेल सुनाई दी, एंड आई लाइक व्हाट. तो लेट रिएक्शन में भागना शुरू किया मैंने. भागते 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 मुझे एहसास नहीं हुआ, एंड आई स्टॉप्ड. और मैंने पीछे मुड़ के देखा, एंड ऑल द गर्ल्स वर देयर. नदीम भाई आए गुस्से में, तुम्हें हर चीज जीतनी है, हर चीज जीतनी है. यू आर फेल्ड. आई एम लाइक, ग्रेट. फिर आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, डजंट मैटर व्हाट आई डू नाउ. वो 5 माइल्स वाला भी एक था. वो असल में आप लोग कितनी देर भागते रहे आप लोग? असल में हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया. वाकई में? क्योंकि ड्रोन भी होते थे ना, दैट वाज द थिंग, ड्रोन भी थे. लेकिन वो दो दिन में कंप्लीट किया. लेकिन फिर उसके बाद आपको वो जो रोल खिला देते थे तेल वाले, वो मुझे नहीं समझ में आई बात यार. स्प्रिंग रोल देते थे वो खाने को, मैंने वो सवाल भी नहीं खाते थे. असल में खाते थे. इज इट नॉट अनहेल्दी? आई मीन इट इज, लेकिन इट गिव्स यू एनर्जी एज वेल, कार्ब्स.
क्योंकि हम उसके अलावा ज्यादा नहीं खाते थे ना, तो दैट्स व्हाई इतना भगा के किसी को उल्टी हो जाए यार, मतलब है ना। अच्छा नहीं, इतना नहीं होता था, लेकिन हमने कभी ऐसा किया नहीं टू बी ऑनेस्ट कि हमने भागने के फौरन बाद रोल खा लिया हो। तो पता नहीं, तो हमें क्या पता, हमें क्या हम पता? कौन से कभी भागे हाँ, exactly. भागे तो हैं, पर एक माइल था, एक ही माइल था। अच्छा तो इट वाज 5 माइल्स, नहीं नहीं एक असल में तो एक ही था। अच्छा एक था, ड्रामा में पता नहीं, उन्होंने बताया था कि एक माइल आपको 4 मिनट या 5 मिनट में करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रैक जो था वो दो दफा कंप्लीट करते थे तो एक माइल बनता, एक माइल बनता था। आपकी सबसे मेमोरेबल मोमेंट सिन्फे आहन के सेट से क्या है? वैसे तो बहुत, आई विल टेल यू, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन सो पहले सलूट पे पहले वापस जाती हूँ, क्योंकि हुआ क्या, आई वॉज ऑन सेट तो उन्होंने कहा कि आज मुझे कंधा देना है किसी और एक्टर का, सो आई हैड टू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्सस एक्टर, राइट, समबडी एल्सस शोल्डर। सो आई सेड ओके ठीक है, आई विल डू दैट। मैं करके निकली और हमारे जो CSM है वो खड़े थे वहाँ पे, तो नदीम भाई ने कहा कि कुबरा सलूट सीख लो, तुम यहाँ पे हो ही सलूट सीख लो। आई थिंक 15 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रूटीन समझ आ गया। 15 मिनट के लगते हैं बस टोटल? नहीं, 6 महीने लगते हैं, बट मुझे मतलब जस्ट समझ आ गई क्या है क्या नहीं। उसके एक दिन के बाद हमने जाना था काकुल रेंज पे बाकी चीज़ें करने के लिए, एंड मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं थक भी रही हूँ, और हम असल में पहाड़ चढ़ रहे हैं, एंड मैंने सेट पहाड़ चढ़ रहे हैं, आई मीन वी हैड द G3 की जो डमी होती थी हमारे पास, वो उतनी हैवी होती है जितनी असल G3 होती है। अच्छा वो डमी थी, वो डमी इन अ वे कि इट्स अ रियल गन, लेकिन यू कांट शूट इट, शूट या शूट नहीं कर सकते आप। सो उसको हम पहन के ही पहाड़ चढ़ते थे, और वो एक्चुअल काफ़ी स्टीप पहाड़ थे। सेकेंड डे मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है, हो गया पहाड़ वगैरह चढ़ लिए हमने। रात को हम एक सीन करने जा रहे हैं, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, कोई 8 पेज का स्क्रिप्ट था, सीन था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, एंड अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया, एंड आई एम लाइक ओके दैट्स डिफरेंट, ये क्या हुआ। टर्नड आउट मुझे फिर उल्टियाँ वगैरह शुरू हो गई, ऑल दैट स्टफ, एंड टर्नड आउट कि वाज कोविड। मैं आइसोलेशन में चली गई फॉर 4 डेज। आफ्टर 4 डेज आई गॉट टेस्टेड अगेन, और आई टेस्टेड नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट जब नेगेटिव हो गया तो जब मैं वापस आई, सबका सलूट परफेक्ट था, एंड आई वाज द ओनली वन जिसको सलूट नहीं आता, और किसी को खुदा ना खासा हुआ भी नहीं, किसी को नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फॉरन आइसोलेशन में चले गए, राइट, लाइक दाना नीर मेरे साथ थी थ्रू आउट। शी सेड कि अगर कोविड है भी तो एटलीस्ट यू शुड नॉट बी अलोन, शी वाज वेरी स्वीट, शी इज सच अ स्वीट हार्ट माशाल्लाह से, इट्स लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी। तो उसने, क्योंकि उसके अब्बा भी जो हैं वो इज अ ब्रिगेडियर, सो शी सेड कि आई एम नॉट गोना लेट यू बी अलोन, तो उसने काफ़ी मेरा ध्यान रखा उस वक्त, एंड आई केप टेलिंग गो अवे, अगर व्हाट इफ कोविड हुआ तो, एंड शी इज लाइक अगर हुआ भी तो डजंट मैटर, मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ है हर चीज़, एंड आई वाज डबल मास्क एज वेल। तो खैर आइसोलेशन में चली गई, जब वापस आई तो हम पासिंग आउट परेड कर रहे थे उस दिन, और आते ही आई पास्ड आउट, मैं बेहोश हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली अभी नेगेटिव हुआ है, मेरे सिम्टम्स सारे अभी एक्टिव हैं, एंड मैंने डबल टेस्ट करवाया था नेगेटिव, आई हैड टू मेक श्योर कि आई एम नेगेटिव, तो दैट वॉज लाइक हॉरिबल। लेकिन जब हम काकुल रेंज पे थे तो हम G3 चलानी थी, MP5 तो वो बच्चों वाली गेम हो गई थी हमारे लिए, बिकॉज़ वी वर लाइक इट्स अ फन गन टू शूट, इट्स अ वेरी, और वो असल में शूट किया ना, एक सीन है आप सबका वो एक्चुअली शूट करते हैं, या असल में हमने सारी गन्स असल में शूट की हैं, तो MP5 वी गॉट यूज्ड टू, उसकी भी आवाज़ थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन G3 धचका लगता है आपको, बाकायदा आपको धचका लगता है, और आपको लाइक लेट के करनी होती है, आपका शोल्डर बिल्कुल वापस पीछे जाता है। तो मैंने पहले G3 कभी चलाई नहीं थी ऑब्वियसली, तो मैं लेटी, नदीम भाई ने कहा कुबरा यू शूट फर्स्ट, आई वाज लाइक मी, एंड ही लाइक या, आई एम लाइक ओके, मैं लेटी हुई हूँ, एंड ही सेड शूट, मैंने शूट किया, आई किड यू नॉट, लाइक आई फेल बैकवर्ड, मेरी टोपी उड़ के गिर गई है, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल हैपेंड, सीन के अंदर ही आई एंडेड अप सेइंग थिंग्स आई वाज नॉट सपोज्ड टू से, सो देन वी हैड टू शूट इट अगेन, बट दैट वाज वन ऑफ द फनी थिंग, बिकॉज आई हैडन डन दैट ऑब्वियसली। उसके अलावा असॉल्ट कोर्स है जो अभी आगे आएगा, उसमें भी मैं बेहोश हो गई थी, वो आपने मुझे बताया था क्लास्ट्रोफोबिया आपको है, तो वो आप क्लास्ट्रोफोबिक हो गई, वो गन वो ट्रेंच पे से जाते exactly. तो ये काफी ग्रूलिंग किस्म का मतलब आपका स्केड्यूल रहा है सिन्फे काफी का। हाँ जी, हम बहुत जल्दी शूट करते थे, हम बहुत सुबह से शूट करना शुरू करते थे, लेट तक शूट करते रहते थे, लेकिन आई थिंक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो लड़कियां थी वहां पे, चाहे वो सज्जल हो जाए, चाहे सायरा, चाहे यमुना, रमशा, ताशी या दाननीर, हमने एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट किया, इट वॉज नेवर कि नहीं मैं पहले ऐसा कभी नहीं था, वी लर्न टू को एग्जिस्ट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर, कभी किसी की कोई लड़ाई या सच नहीं हुई, अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो हम डिस्कस कर लेते थे एंड बात खत्म हो गई, सो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग फॉर अस, दैट्स रियली गुड टू नो। अब संगे माई इज ऑन एयर,
सिंफे आहन इज ऑन एयर. आगे क्या है, आपने प्रोजेक्ट्स अब शूट करना कुछ शुरू किया है, कुछ साइन कर लिया है, कोई फिल्म है, कोई वेब सीरीज है, कोई ड्रामा है, क्या है? अभी कर नहीं सकती अनाउंसमेंट, प्रॉब्लम ये है क्योंकि आई थिंक जब तक राइटिंग में ना हो तब तक. सो आई एम रीडिंग कपल ऑफ थिंग्स, एक दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम, लेकिन जब तक राइटिंग में ना हो इस पॉइंट. फिल्म या ड्रामे? एक फिल्म है और दो ड्रामे. एक फिल्म और दो ड्रामे, होए 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 होए. कुबरा ये बताएं कि आपको क्रिटिसिज्म मिलता है कभी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर? हर वक्त. किस तरह का क्रिटिसिज्म आता है? मेनली मेरे एक्सेंट पे मिलता है. हाँ है ना. हाँ. हमने भी एक ही चीज नोटिस किया है, मतलब मैं उस दिन हम लोग अपने रिव्यू में डिस्कस कर रहे थे, जो आपका एक एक्सप्रेशन है या जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत अच्छी है, बट जो अंग्रेजी की जहाँ पे बात आती है जैसे ना बट संगे माँ में अगर नजर आ जाए या मशल के केस में अगर वो नजर आ जाए तो आप उसको उसके ऊपर वर्क कर रही? बिल्कुल. एक चीज ये है कि आई थिंक एक दफा आप पे एक लेबल लग जाए ना तो आप चाहे बिल्कुल किसी ठोस पंजाबी में भी जाके बात करेंगे तो वो लेबल कभी नहीं हटेगा. Somebody or the other will always nitpick on that, right? ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रही, obviously I am working on it. लेकिन जैसे अगर आप मुझसे भी कहें कि अपने एक्सेंट को टोन डाउन कर लो, I probably will be able to do that. But saying that, I feel like कि एक लोगों ने perception बना लिए दिमाग में, तो अगर मैं सराइकी में ही बात करूंगी ना तब भी उनको लगेगा मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ. Because that's the perception that they have. It's happened. That's why I'm saying that. आप सराइकी में बात करनी है तो लोगों को लग रहा है आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं. मतलब इस तरह से नहीं. They'd be like, oh, कितना. Actually, you know, Punjabis and British, we are sort of similar. It is okay. तो सराइकी is. आपने मुझे बताया आप कबीरवाला में पैदा हुई हैं, मुल्तान में, तो आपको. लेकिन मैंने सीखी नहीं कभी सराइकी. यार तो इंग्लिश कैसे सीख ली फिर आपने? ये क्या बात? मैं कबीरवाला में पैदा हुई थी. आप उधर हुई हैं फिर सीखी हमने इंग्लिश? मैं कबीरवाला में पैदा हुई थी, 6 महीने की थी, लंदन चली गई, बड़ी वहां पे हुई हूं, हेंस द एक्सेंट. आप लोग क्यों लंदन चले गए 6 महीने की थी जब? अब्बू वहीं पे ही होते थे. अच्छा, हाँ, अच्छा, so अम्मी couldn't travel while she was heavily pregnant obviously, तो इस वजह से. तो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया ना बाद में? अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सॉर्ट आउट हो गया. लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है. हाँ, वरना तो लोग कहते हैं कि बच्चे वहीं पे पैदा हूँ तो अच्छा है. एग्जैक्टली. नहीं, पासपोर्ट तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, तो मैं आपसे सवाल कुछ और पूछा था एक्सेंट का. तो आप कह रहे हैं कि आप कोई भी बात कर लें लोगों को, ये क्योंकि परसेप्शन ऐसी बिल्ड हो गई है कि कुबरा का एक एक्सेंट है तो अब लोगों को लगता है कि वो है. मेरा इन ऑल ऑनेस्टी, नॉट थ्रोइंग शेड ऑन anybody, I promise you. लेकिन मैंने, which means she is throwing shade on somebody. No, I'm not. लेकिन मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है होते हुए कि मेरा reason है मैं बाहर से हूँ, right? मैं justify नहीं कर रही कि मेरा accent है, मैं वैसे genuine है. हाँ, exactly. लेकिन मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों को भी जो पैदा भी यही हुए हैं, बड़े भी यही हुए हैं, लेकिन उनकी उर्दू में भी accent आता है, you know, English में भी accent आता है. तो उनको कभी कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा. तो आई गेट अ लिटिल अननोयड, आई एम जस्ट लाइक यार लेकिन वो तो यहाँ पैदा हुई है, वो तो यहाँ बड़ी हुई है, उसको क्यों नहीं कुछ कहता? आपको क्यों कहते हैं फिर? क्या वजह है? उनको नहीं कह रहे, आपको कह रहे, क्या वजह? क्योंकि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उनके पास आई थिंक मैं वहाँ की हूँ और मैं यहाँ की नहीं हूँ. ये बात मुझे काफी पहले फील हुई थी कि मुझे काफी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि अपना नहीं बनाया था काफ़ी देर तक. मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा टू बी एक्सेप्टेड इवन, एंड आई डोंट नो कि मैं अभी भी एक्सेप्ट हुई हूँ या नहीं. मेरे तो ख्याल में हो गई है. आई अगेन मुझे नहीं पता ना, दैट्स द थिंग, लाइक आई कैन से मैं बता रहा हूं आपको, पर आप हो गई एक्सेप्ट, हो गई नहीं, हो गई है. नहीं, मुझे लेकिन एक बात मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में ये है कि इवन तो आपका वो ब्रिटिश एक्सेंट है, मुझे ये लगता है कि वो अंग्रेजी में ही झलकता है. आपकी उर्दू अदरवाइज बड़ी, मतलब अच्छी है और बड़े प्रॉपर उर्दू में आप बात करती हैं, और अक्सर औकात आप उर्दू के हैवी अल्फाज का भी इस्तेमाल कर जाती है. इसकी क्या वजह? बिकॉज ऑब्वियसली यू स्पेंड ऑल योर चाइल्डहुड इन लंदन. इसकी वजह ये है कि लाइक यू सेड कि आप काम कर रही हैं या नहीं, एंड आई मैं काम कर रही हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ. इतनी रिफाइन तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ ये मतलब ये आपने काम कर करके रिफाइन की है? या व्हाइल ग्रोइंग अप घर पे उर्दू बोली जाती? घर पे उर्दू बोली जाती थी, लेकिन अगर आप वो वाली उर्दू सुनते मेरी तो मेरी काकी का बहुत मसला था. लाइक मैं बिलावल भुट्टो साहब की तरह, उससे भी बुरा. अच्छा, एक्चुअली उससे भी ज्यादा बुरा होता है. बुरा हो सकता है. तो बेसिकली वो उर्दू आपका काकी का ज्यादा मसला था? काकी का मसला था, बहुत चीजें. लाइक अभी कुछ दिन पहले की बात है,
I got embarrassed because मैंने कहा कि मैंने इतनी तशद्दुद करके ये किया है and somebody started laughing. ऐसे तशद्दुद नहीं तरद्दुद होता है and I was like, you know, so like इस तरह की चीजें हैं जो मैं कोशिश करती हूँ. अगर सुनती हूँ कोई लव स्क्रिप्ट में हो जाए या whatever, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका जो मायने है वो याद रखूँ मैं ताकि कहीं सही जगह भी यूज कर सकूँ. एक्सेप्ट तशद्दुद और तरद्दुद वो आप हो गया. और जद्दोजहद भी कह सकती थी आप. जद्दोजहद भी कहती हूँ मैं, है ना. हाँ. जद्दोजहद आप कह सकती हैं. इस बात का लुब्बे लुबाब ये देखा है, बहुत बहुत अच्छी है. नहीं मतलब उतना डिस्टिंक्ट नहीं, जब आप उर्दू में बात करिए तो उतना डिस्टिंक्ट नहीं लगता. इसके अलावा क्या क्रिटिसिज्म मिलता है आपको? इसके अलावा आई थिंक अगर किसी ने आपको पसंद नहीं करना किसी भी बात से, उनको वजह की जरूरत नहीं होती. ये honest. तो बात ठीक किया. हाँ, इफ दे डोंट लाइक यू दे डोंट लाइक यू एंड ऑफ. सो लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले ये चीज मुझे ठा करके लगती थी दिल पे कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मुझे पसंद नहीं करते लोग. अब फॉर सम ऑड रीजन, एक तो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फोकस कर रही हूँ कि अपने ही काम को बेहतर जितना ज़्यादा करूँगी उतना ज़्यादा, आई मीन आई वुड रादर यूज़ दैट एनर्जी काम के अंदर बजाय कि मैं उस एनर्जी को उन कमेंट्स पे या उन फीडबैक पे लगाऊँ कि वो फिर नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा मेरे ऊपर. डू यू थिंक यू हैव मेड इट एज एन एक्टर इन पाकिस्तान्स ड्रामा इंडस्ट्री? नो 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 नो. व्हाई? आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत है. But you, माशाल्लाह, bagging all these big projects and big characters. That's all him. Performance भी आपकी लोग तारीफ, critically भी acclaimed है, popularity भी है. तो क्या? I don't know about all that. When you say things like that to me, I'm just like, what? नहीं, क्या चाह रही हूँ और आपके क्या हो? तमगा दिया जाए आपको? बिल्कुल. Award दिया जाए आपको? अच्छा, award, I'm gonna be very honest. With awards, एक टाइम था जब पहले पहले आई थी मैं संगे मरमर के टाइम पे, मुझे लगता था कि अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये है वो है, लेकिन अब आई डोंट थिंक अवार्ड्स आर इम्पोर्टेंट स्पेशली एंड आई मीन आई एम सेइंग ऑन ऑन रिकॉर्ड. आई डू फील के जो अवार्ड की 5-6 साल या 10 साल पहले अहमियत होती थी वो अब नहीं रही. क्योंकि अब अवार्ड तो इस बात पर मिल जाता है कि आप आ रहे हैं अवार्ड पर या नहीं, अवार्ड शो पर या नहीं. आई शुड नॉट से दिस, आई एम सो सॉरी. हमारे शो पे जो भी ये आता है वो यही बात बोलता है. आपसे पहले मावरा आई थी, उन्होंने भी यही बात बोली. उन्होंने बोला कि अवार्ड शोज के ऊपर तो अब अगर कहा जाए कि यार आप आके परफॉर्म कर दें तो भी अवार्ड मिल जाता है. बिल्कुल. सो वो जो एक सैंक्टिटी होती है एक अवार्ड की, कि यार वो रिकग्निशन मिल रही है, दैट्स नो लॉन्गर देयर. अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिलते हैं वो एक्चुअली डिजर्व भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अवार्ड की वैल्यू इतनी हो गई, हाँ, इतना डीवैल्यू हो गया एट दिस पॉइंट कि आई मीन आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज अवार्ड मिले किसी चीज के लिए, मैं जेन्युइनली वंडर करूंगी कि ये मेरी काबिलियत के ऊपर है या मैं क्योंकि अटेंड करने आई हूँ इस वजह से है. You know, मैं genuinely wonder करूंगी. And it's या मेरा character इतना popular हो गया अब. हाँ, अभी popularity awards भी आ गए हैं. Exactly. लेकिन yeah, so I don't know. It's sad with the award situation to be honest. And I really hope कि वो फिर से उतने ही credible हो जाएं जितने पहले होते थे. तो एक actor को encouragement किस चीज से मिलती है अब? अब हमारी audience. Honestly, social media के बहुत downside भी हैं. लेकिन I think एक the good side of social media is the amount of love we get. You know. तो अब तो यही है कि आपके फैंस हैं या कौन अफेक्ट हो रहा है आपके ड्रामों से, आपके किरदार से, या अब यही हमारी अप्रिसिएशन है. उसके अलावा वी डोंट रियली हैव एनीथिंग. और द फैक्ट कि आज मैंने लेट्स से शहरज़ाद की है, तो उसमें मैंने कुछ शायद ऐसा किया हो तो मुझे उसकी वजह से कोई और डायरेक्टर या कुछ और देख ले तो उनको लगे कि मैं किसी और काम के लिए. सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ अप्रिसिएशन कि हमने आपको उसमें देखा था एंड वी थॉट दैट आप हमारे कैरेक्टर के लिए फिट बैठती हैं. दैट्स अनदर वे ऑफ अप्रिसिएशन. Again, awards it's unfortunate. और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिले भी हैं, सही लोगों को भी मिले हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं तो अपने ओपिनियन से बात करूँगी. मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत है, नॉर्मल, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही. बट एट द सेम टाइम आई डू फील कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है जब कि किसी एक एक्टर को वी थॉट के मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, किसी कंप्लीटली डिफरेंट बंदे को मिल गया है. वी वर लाइक दैट्स डिफरेंट एंड दैट वाज सिंपली इन प्योरली बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी. पॉपुलैरिटी, या But I would have thought that award should be based on your merit.
कि आपने काम कैसा किया है, यू नो. अब बहुत सारे हमारे अवार्ड इवेंट्स है ना, उनका जो प्रोसेस है किसी को रिवॉर्ड करने का या अवार्ड देने का, वो भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है. जैसे कि बाहर के मुल्कों में एक बड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके के साथ बड़े प्रोफेशनली ये सारा प्रोसेस तकमील तक पहुंचता है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम्स है. प्रॉब्लम्स तो काफी सारी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के ऊपर ही बात करेंगे. कुबरा खान मेरे साथ मौजूद है. खातिनों ज़ार, टाइम हुआ एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आके हम अपनी कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे. कहीं जाइएगा मत. दिस इज द बिग पिक. आई एम हसन चौधरी एंड आई हैव विद मी कुबरा खान. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Big Pick. I have with me the gorgeous and the very talented Kubra Khan. Kubra, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले, और आपने बोला कि सोशल मीडिया का एक जहाँ पे एक डाउन साइड है कि बड़ी ट्रोलिंग होती है और बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वहाँ पे आजकल के दौर में इंस्टेंट फीडबैक भी मिलता है, इंस्टेंट अप्रिसिएशन भी आती है. तो आपकी नज़र में इज सोशल मीडिया अ कर्स और नॉट? इट्स अ कर्स. इट इज अ कर्स स्टिल. या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली इट्स अ कर्स. बिकॉज अगर आप देखें आज कल, आई मीन आज के दौर में अगर आप देखें, तो हर किसी को किसी ना किसी तरह का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यू नो, या पैनिक अटैक हो रहा है. एंड आई डू थिंक दैट सोशल मीडिया हैज़ अ बिग पार्ट टू प्ले इन दैट. चाहे वो सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, एनी वन, लाइक लिटरली एनी वन. अगर मैं किसी को देखूंगी किसी के पास यू नो फरारी है और अपने वो यू नो 8 bedroom के बंगले से निकल रहे हैं, एंड दे लाइक वूम वूम, तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आई फील लाइक के चाहते ना चाहते हुए आपको लगता है कि हमारे पास भी ऐसा होता, यू नो. और जब आपको एक दफा ये फीलिंग आ जाए, फिर आप किसी और को देखो, तीसरे को देखो, चौथे बंदे को देखो, तो विदाउट रियलाइजिंग आपको आपके अंदर एक एहसास से कमतरी शुरू हो जाता है, विदाउट इवन रियलाइजिंग, फॉर नो रीजन. आप चाहे खुश होगी अपनी दुनिया में, आप यू नो सिक्योर होगी, आपके पास खाने को है, आपके पास रहने को है, यू नो, चाहे वो एक छत ही क्यों ना हो जाए, अगर आप किसी और को ना देखो आप उसमें खुश होगे. लेकिन जिस दिन कोई और सामने आ गया जिसके पास आपके आपसे बेहतर है, और आपको फिर एहसास होता है कि ये तो करोड़ों की यू नो तादाद में है, कि एवरीवन इज हैप्पी और सिर्फ मैं हूँ जिसके पास एक छत है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि गॉड I don't have enough. Yeah. फिर आप ungrateful होते हो, ungrateful होते होते you go into this dark space and bam, सत्यानाश हो जाते हैं. अब मेरे साथ ही conversation में आपने बताया था कि you had to you know face intense trolling. Yeah. Weight gain वाला वो जो पूरी आपकी एक struggle थी health care की वजह से. Yeah. Are things better now? Alhamdulillah. Yeah. Good. Things are better now. How does a person or an actor जो कि constantly you know in the media public eye हर वक्त Instagram की जैसे आपने बात किया, otherwise also events हो रहे हैं आपको, you know you interact with fans, आपकी तस्वीरें red carpet की तस्वीरें float करती हैं, उस पर अक्सर तनकीद शुरू हो जाती है यार कि ये पहना है, ये नहीं पहना है, ये क्यों किया है. बिल्कुल. What does an actor do to deal with all of this? कैसे deal करे? I think ये भी एक unfortunate चीज़ है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हम एक किस्म का टिकट दे रहे हैं आपको, क्या हो, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू अस. तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि वन, ग्रो क्रोकोडाइल स्किन, यू नो, ग्रो थिक स्किन. और दूसरी चीज़ ये कि आप डालो ही उतना जितना आप बर्दाश्त कर सको, यू नो. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपनी फैमिली की चीज़ें बहुत कम डालती हूँ, यू नो, सिंपली बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी को ये राइट मिले कि वो मेरी फैमिली के बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी कहें, राइट. तो मैं उतना ही डालने की कोशिश करती हूँ जितने पे मुझे पता है कि मैं बर्दाश्त कर सकूँगी. सो आई थिंक दैट्स माई वे. और अब मैं अगेन आई एम वर्किंग ऑन फीलिंग नॉनचलांट अबाउट द नेगेटिविटी. तो दैट्स द वन थिंग आई डू. ये मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हो ना, एक जो कोई आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली इज ऑलवेज वेलकम, बट कोई आपको पता चल जाता है कि जो जानबूझकर आपको बुरा फील कराना चाहता है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती अक्सर औकात के ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं. मतलब उनका मकसद सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाना है, और कोई रीजन नहीं है. बिल्कुल. एक तो ये मकसद है, और दूसरा अटेंशन सीकिंग एज वेल. यू नो, मैं एक दोस्त है मेरे, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफा एक मैसेज दिखाया, और उनको मैसेज आया था बहुत बुरा मैसेज, राइट. तो इन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया आगे से, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की.
तो उस बंदे का वापस जवाब आया कि भाई सॉरी, मैंने कहा मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए थी आपसे, बकायदा ये लिखा हुआ था यू नो कि मुझे सिर्फ आपसे रिप्लाई चाहिए था, मिल गया मैं खुश हूँ, माजरत जो कहा. बेटे, बेटे, what is wrong with you? तो इस तरह से लोग करते हैं. तो अगर जवाब ना दिया तो वो यही सोचते रहते ना कि यार कि कोई मेरे बारे में, क्योंकि उनको पता कि negativity hits more than love, right? तो ये एक चीज है. हाँ, लेकिन कुछ अब क्या करें हम. अब अगर मैं बैठ जाऊं किसी ऐसे इंसान के कमेंट लेके जिसको मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता वो असल है भी या नहीं, उस इंसान को कमेंट लेके मैं बैठ जाऊं एंड आई एम जस्ट लाइक ओह माय गॉड. मैं पहले ऐसे करती थी, आई गेट यू नॉट, मैं बकायदा रोती थी कमेंट्स पढ़ पढ़ के. मैंने इतनी दफा ऐसा हुआ कि अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया था, यू नो, कुछ कुछ दिनों के लिए मैं बंद कर देती थी, चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, बिकॉज आई वॉज सो अफेक्टेड बाय इट. बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि ये तो होगा, दिस इज वर्ल्ड, दिस इज द रियल. ये ग्रोन अप वर्ल्ड. सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, इसको चलाना क्या इसलिए भी जरूरी है? बहुत सारे एक्टर्स ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल चुके हैं कि आजकल रोल्स या कैरेक्टर्स आपको पॉपुलैरिटी की बेसिस पे मिलते हैं, इस वजह से मिलते हैं कि भाई आपके इंस्टाग्राम पे इतने एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं इसलिए आप ये ड्रामा करें. यू थिंक दिस ट्रूथ टू दैट इज वेल? डिपेंड करता है. आई थिंक ड्रामा या फिल्म नॉट सो मच, लेकिन एड्स एंड स्टफ उस पर आई थिंक ये मैटर करता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप्स एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई ऐसा ड्रामा नहीं मिला कि और इसके इतने फॉलोअर्स, मेरे हालांकि इतने हैं भी नहीं, बट इस वजह से मुझे नहीं मिला कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं. यू नो, जब भी मिला मुझे वो इसीलिए मिला कि ये इस कैरेक्टर में फिट बैठती है, ये अच्छा कर लेगी इसको. सो अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आई मीन आई गेस कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली अगर वो कह रहे हैं तो शायद आई एम श्योर होगा, बिकॉज़ यू सी ये टीआरपीज एंड रेटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट उसका एक एक एक्सटेंशन ही है ना, कि इंस्टाग्राम पे एक आपके पॉपुलर एक्टर को आपने ले लिया तो एटलीस्ट उसके जो फैंस है वो तो ड्रामा देखेंगे और आपको वो टीआरपीज देंगे. क्वाइट अनफॉर्चुनेट. आपकी जिंदगी का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? कैसा मैंने देखे घुमा के एकदम that was a complete मारी U-turn, yes. Okay. सबसे defining moment, बहुत सारे थे. एक होता ना moment यार के this changed the course of my life. Yeah. I don't know if I can say it out loud. No, that's fine. Yeah. If you don't want to. One of those ones, yeah. लेकिन एक और professional define, or personal? Personal है, obviously. हाँ, personal moment है. लेकिन उस मोमेंट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन. मैं कम्प्लीटली आई थिंक अगर आप मुझे 3 या 4 साल पहले जानते उससे मैं कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हूँ अब. और आई फील लाइक एनी लॉस दैट टेक्स यू क्लोज टू अल्लाह इज नॉट अ लॉस, राइट? और दैट बॉट मी एटलीस्ट एट द डोर ऑफ दैट पास्ट, इफ नॉट दैट पास्ट. यू नो, आई मीन ऑब्वियसली आई एम काफ़ी गुनहगार लोग हैं हम, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सोच भी रहे हो उस चीज़ के बारे में तो वो मुझे इस पाथ पे लेके आया है एंड वो मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा फॉर श्योर. माशाल्लाह, यू नो देयर इज अ दिस स्पिरिचुअल साइड टू यू एंड अ लॉट ऑफ योर फैंस एंड जो देखते हैं आपको, जो इंटरव्यूज आपके देखते हैं, वो बड़ा इस चीज को महसूस करते हैं. तो ऐसी आपकी एक अंदर एक कशिश है कि वो महसूस की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है. नहीं, है ना? मुझे काफी लोग कहते हैं कि मलंग बंदी है, like, हाँ. literally. So I am a malang, and I take pride in that. मुझे तो ये भी लगता है कि you're one of the industry's most favorite people, because ये जो आप कह रही मलंग वाली बात, ये बहुत लोग आपके बारे में बोलते हैं. And genuinely, whenever I've met you, I think you're always so warm and so gracious and so nice. And this is not just me. Usually, और भी लोगों से जिनकी भी बारे में कभी आपसे बात होती है, हमेशा तारीफ ही होती है. I can't keep it straight. Okay. तो तारीफ ही होती है. इसकी क्या वजह है? ये क्या क्या like what makes you who you are, Kubra Khan? Is that like, you know, जैसे आप कह रही हैं certain moments in your life. क्योंकि मैं तो आपको पहले बहुत पहले से नहीं जानता ना, बचपन में आप शायद मीन होती हूँ स्कूल में, चुटियाँ खींचती हूँ अपनी दोस्तों की. यार हमारे डायरेक्टर साहब को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जब भी एक्टर्स आते हैं ना तो वो जानना चाहते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में. आप इस पे कमेंट करना चाहती हैं या नहीं? शादी के बारे में कुबरा आपका क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है शादी के बारे में. नहीं ख्याल? I can say with a straight face, कोई ख्याल नहीं है. कोई ख्याल नहीं शादी के बारे में? क्यों? अभी तो दिल ही नहीं चाहता. आइडियल वो जो होता है ना, वो जो घिसा पिटा सवाल है यार कि ऐसा मर्द मेरी जिंदगी में होना चाहिए, ऐसा हीरो होना चाहिए, कभी सोचा आपने? या एक चीज़ मैंने इतने बार में नोट की है जो शायद आई डोंट नो रिसेंटली डेवलप हुई है या पुरानी चीज़ है, व्हाटएवर, लेकिन यू नो ऐसा होता है कि आप किसी
अट्रैक्टिव इंसान को देखते हो और आप कहते हो गुड लुकिंग मैन और व्हाटएवर, राइट, और फिर आप उसे अट्रैक्टेड हो जाते हो, देन यू वांट थिंग्स टू वर्क आउट. या दैट बिल्कुल डेड हो चुकी है मेरे में चीज, ठीक है. किसने डेड कर दी कुबरा, ये बड़ी हो गई हूँ sure. लेकिन बटरफ्लाइज खत्म हो चुकी यार, भाई को तो अभी भी हो जाते हैं बटरफ्लाइज. यू आर सो लकी. उनको ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, यू आर सो लकी. क्यों मुझे तो याद भी नहीं बटरफ्लाइज कैसे फील करती है. really? इतना टाइम हो गया. बहुत टाइम हो गया, सालों में. वो मिस ब्रिगेंजा पूछती है ना प्यार क्या है, तो आपको क्या लगता है प्यार क्या है? प्यार दोस्ती तो नहीं है ये, पता दोस्ती नहीं है यार, बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि प्यार की फाउंडेशन दोस्ती है. राहुल कह रहा है ये, राहुल सोचे आप. आई थिंक अगर आप अपने पार्टनर के साथ दोस्त भी हो सकते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट. अगर आप उनके साथ अपनी हंसी खुशी हर चीज शेयर कर सकते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट. लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइक यू नो मैरी अ फ्रेंड kind of सिचुएशन. आई डोंट लिव बाय दैट. यू नो आई थिंक कि आपका जो पार्टनर है वो आपका कंपेनियन होना चाहिए, यू नो, इन एवरी वे, इंटेलिजेंस से या किसी की स्मार्टनेस से या किसी के यू नो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन रिसेंटली ये हुआ कि मैं आई सी समबडी हु शायद अकॉर्डिंग टू एवरीबडी एल्स 5 out of 10 होगा या होगी, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल वैसे बात कर रही हूँ. लेकिन फिर मैं उनसे गुफ्तगू करूंगी और वो इतने अच्छे होंगे कि वो अचानक से 5 से 20 पे पहुंच जाएंगे मेरे लिए. अच्छा, like 20 out of 10. ओए होए, ये तो बड़ी आपने आज फिर मतलब है कि इंटरेस्टिंग बात बता दी है. अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुल गई अब तो ये. अब तो डीएम्स आएंगे आपको. पहले भी बहुत आते हैं. कल जब सूरज उभरा तो मेरे ये ख्याल आया मेरे दिमाग में कि दुनिया कितनी हसीन है. बिल्कुल, तो वो नहीं, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा अलग है ऑब्वियसली. नहीं, इंटेलेक्चुअल मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करनी है या मल्टीवर्सेस के बारे में बात करनी है. देयर इज अ इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल. इफ आई कैन, अगर मैं आपके साथ बैठ के आपसे एक अच्छी बात कर सकती हूँ और लंबी बात कर सकती हूँ एंड विदाउट थिंकिंग कि आप मुझे जज कर रहे हो या विदाउट मी जजिंग यू, और हम एक अच्छी बात कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में. इट डजंट हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू नो, जस्ट अ गुड कन्वर्सेशन, दैट आई फाइंड वेरी अट्रैक्टिव. और वो अचानक से आपको 5 out of 10 में से 20 out of 10 पे ले जाता है. 20 out of 10 पे ले. तो आपका वो रिडार अच्छा है गेज करने वाला यार कि ये इंसान एक अच्छा इंसान है, ये बंदा ऑपर्चुनिस्ट है, दिस पर्सन कैन बी अ गुड फ्रेंड. मुझे लगता था अच्छा है, लेकिन नहीं, आई एम अ वेरी बैड जज ऑफ कैरेक्टर. रिसेंटली पता चला मुझे. Because of a few people in the industry? No, just generally. Achha, I realized. Yeah, no. I thought शायद किसी के साथ आपने काम किया हो किसी ड्रामे में और फिर आपको realize हुआ कि I thought that this person is a good friend and फिर बाद में आपको realize हुआ कि नहीं, this person is an. नहीं. Alhamdulillah, I'm surrounded by बहुत अच्छे लोग. लेकिन हाँ, ये चीज मुझे एहसास हुई कि शायद I'm not the best judge of character. So जो आप जब आज से let's say 7-8-9 साल पहले वाली जो कुबरा है, अगर आप टाइम मशीन होती है आप जाती हैं, तो आप उस कुबरा को क्या एडवाइस देती? मैं ये कहती कि जो पहला इंप्रेशन है किसी इंसान का, स्टिक टू इट, स्टिक टू योर कोर. आपका अपना जो आपका एक पहला इंप्रेशन होता है, एंड यू नो सम पीपल हैव अ वेरी एक्टिव सिक्स्थ सेंस. आई बिलीव यू आर वन ऑफ दोस पीपल. आई एम. लेकिन पता मेरे जैसे लोगों का मसला क्या है? द रीजन मैं कह रही हूँ कि आई एम नॉट अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर इज नॉट बिकॉज मैं यू नो मुझे समझ नहीं आती कि इंसान अच्छा है या बुरा, ये नहीं है. मेरा मसला ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन पे शायद मुझे एहसास हो जाएगा कि शायद दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं जस्टिफाई करती रहती हूँ. अच्छा, मौका देती रहती हूँ. मैं जस्टिफाई करती रहती हूँ, नहीं इसने ये किया है तो इसकी वजह ये होगी, इसने वो किया तो उसकी वजह ये होगी. करते 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 जब तक सर पे नहीं पड़ती, देन यू लाइक ओके ठीक है. तो मेरा मसला ये है कि जस्टिफाई इतना करती हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट इतना ज़्यादा देती हूँ मैं, कि वो मेरी अपनी गलती है. लेकिन जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एंड यू नो हम सिन्फे आन की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली उसके बाद से तो आई एम श्योर के जो यंग लड़कियां हैं हु एस्पायर टू बी लाइक कुबरा, उनकी तादाद में और ज़्यादा इजाफा हुआ होगा. सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हैं तो वो क्या रास्ता अपनाएं और कैसे अपनाएं, क्या करें? अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आई मीन आई लव माई वर्क,
तो ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए ना बनिएगा कि इसमें ग्लिट्स एंड ग्लैम है, पैसे अच्छे हैं या बुरे हैं या शोहरत मिल जाएगी. आपकी वजह सही होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. अगर आपको उस क्राफ्ट से प्यार है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा हो जाएगा. जब तक आपको लाइक मैं अपने बारे में कभी कुछ अच्छा बोलती नहीं हूँ वैसे, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो मेरी एक्टिंग का स्टाइल था या जो भी था, वो थोड़ा सा बदला अलिफ के बाद. अच्छा, आपको फील हुआ? मुझे खुद महसूस हुआ कि मैं अपने कैरेक्टर से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया मैंने, यू नो, और ये अलिफ के बाद हुआ मुझे. और ये आप किस चीज़ को एट्रीब्यूट करती हैं ये बात? आई थिंक इट्स जस्ट वही अंडरस्टैंडिंग, लाइक एक तो अपने काम से, क्राफ्ट से प्यार करना ज़रूरी है और किरदार को समझना जरूरी है उसके. और ऐसे कैरेक्टर्स आना भी जरूरी है ना कुबरा, जिसको इंसान करते हुए वो इमोशन फील करे यार कि मैंने इसको अपना 100% देना है. बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ड्रामे ऐसे बनते हैं कि चाहते हुए ना चाहते हुए आई सपोज एक्टर्स भी वो शायद एफर्ट नहीं करते होंगे, उनको लगता होगा रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है. काफी कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं कि अभी रिसेंटली मुझे एक कैरेक्टर आया था, स्क्रिप्ट अच्छी थी लेकिन मुझे अपने कैरेक्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं आई, एंड आई हैड टू अपोलोजाइज के आई मीन मैं कुछ ऐड नहीं कर रही इसके अंदर, सो आई कांट डू समथिंग लाइक दैट. सो अलिफ के बाद से मुझे एहसास हुआ कि आई थिंक क्योंकि हुस्न जहां के कैरेक्टर ने इतना इम्पैक्ट यू नो डाला मुझ पर कि मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि जो मेरे किरदार हैं मुझे उनसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है. सो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि जो लड़कियाँ या लड़के इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो रीजनिंग है ना वो सही हो. आपको एक्टिंग से प्यार होना ज़रूरी है और उसकी वजह क्या है वो भी ज़रूरी है. अगर आप इस वजह से आ रहे हो कि मुझे शोहरत चाहिए किसी तरह से भी हो जाए, तो फिर आपको एक तो कैरेक्टर्स वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप बोर भी हो जाओगे काफ़ी जल्दी, यू नो. मेरे साथ ऐसे हुआ है पहले कि बैक टू बैक काम तो कर रही थी लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन रहा था मेरा मेरे कैरेक्टर्स के साथ, और वो रिफ्लेक्ट करता है फिर. ट्रेनिंग ग्राउंड भी नहीं है ना एक्टर्स के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे उनको. नापा इज देयर ऑफ कोर्स, बट वो एक बहुत मतलब कितना वो करे, कितना वो काम करे, यू नो. हसन, मैंने रिसेंटली इतना ज़्यादा टैलेंट देखा है, ठीक है, जो लोग यू नो आई मीन जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, इतना भरा हुआ टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर. मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई उनको हायर क्यों नहीं करता. लड़कियां हों या लड़के हों, इतना ज़्यादा टैलेंट है उनमें. फॉर एग्जांपल मैं कुछ साल पहले एक शो कर रही थी, इट वॉज अ टैलेंट शो, ठीक है, उस टैलेंट शो के अंदर भी इतना ज़्यादा टैलेंट आता था एंड मैं जेन्युइनली वंडर करती थी कि ये लोग कहाँ पे थे पहले. आई यूज्ड टू बी सरप्राइज कि ये पाकिस्तान में है. सो अगेन, आपने इस पॉइंट पे कभी सोचा कि कोई डिप्लोमा कर लें, एक्टिंग का कोई कोर्स कर लें या कुछ कर लें? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ एक्टर्स यू नो थिंक अलोंग दोज लाइंस एज वेल. हाँ, या मैंने सोचा हुआ है. मैंने कुछ टाइम पहले ही बल्कि सोचा था कि आई वॉन्ट टू टेक सम टाइम आउट, लेकिन एक्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली आई थिंक यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग, राइट? लेकिन द बेस्ट वे टू लर्न is to be a part of it. Yeah. Or working by it. Exactly. Learning by doing. Yes, exactly. Learning by doing. So that's what it is. Lekin one other thing I want to learn is how to work a camera properly. Oh, nice. Yeah. So direction ki taraf aapka hai shauk? I don't know direction ki taraf hai ya nahi, lekin maine bahut stories dekhi hain recently aur pichle kuch saalon mein bahut stories dekhi hain, and I feel like these stories need to be out there. Yeah. You know what I mean? To ek ye cheez hai, वैसे भी जब बचपन कह रही हूँ मैं, ये जब नॉट ये नहीं जब ये पाँच साल पहले नहीं बिल्कुल भी नहीं. बचपन में मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था. अच्छा, well. हाँ जी. सो आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स और छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहती थी मैं. फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, सो दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू गेट इनटू अगेन. एक्टर्स अपने ऑफ स्क्रीन पर्सोना को इवॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बेहतर दिखने के लिए? यू नो ये भी एक बात है, इंटरनेशनल भी हम देखते हैं सम सेलेब्रिटीज ऑफ फॉर यू नो स्टफ लाइक इवन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उस तरफ चले जाते हैं. कुछ लोग जैसे आप भी कह रही हैं कि यू नो फोकस होता है कि काम ज़्यादा करें ताकि अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें. कुछ लोग सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट, विल स्मिथ की आई थिंक इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, जिस तरह से वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतर करने के लिए. आपने कभी सोचा है कि आपका जो एक ऑफ स्क्रीन पर्सोना है, हालांकि सब आपको एक मलंग के रोल में ही जानते हैं या समझते हैं और लेबल के साथ, बट यू नो समथिंग लाइक यू नो मे बी अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर और समथिंग, हैव यू एवर थॉट अलोंग दोज लाइंस?
बेसिक ओके इम्यूनोलॉजी बेसिक चीजें हर कोई करवाता है लाइक लेजर्स एंड स्टफ लाइक दैट एवरीवन गेट्स डन या बिकॉज़ दैट्स बेसिक राइट जस्ट अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए लेकिन एक चीज जो है आई थिंक आई मीन अगेन आई एम अ लंग लेकिन एट द सेम टाइम काफी लोग जिम पे काफी फोकस करते हैं जो मुझे भी अब करना चाहिए आई एम गोना स्टार्ट किकबॉक्सिंग सून आई एम रियली क्रेजी रियली फॉर अ कैरेक्टर या वैसे नो नो फॉर माय सेल्फ nice. So, because I think it's a great stress reliever as well. Na? जब किसी को मारने का दिल चले आप जाके अपने लग जाओ. So I think that's one thing. But at the same time, मेरे जो outlets हैं, they've always been very. I think मेरे लिए अपनी stress को या अपने whatever I'm feeling उसको निकालना creative outlets से ज़्यादा I find it easier to do that. Yeah. So again, मैं paint करती हूँ. I mean, I paint whatever I'm feeling. You know. या मैं बेक करती हूँ या मैं वीडियो गेम्स खेलती हूँ स्टफ लाइक दैट तो उसको वो ऑफ स्क्रीन पर्सोना से कोई वो नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग मुझे जानते हैं तो वो या तो मलंग के तौर पर जानते हैं या किसी किरदार के तौर पर जानते हैं आई डोंट इवन नो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई सच हो ऐसा हो मुझे ऐसा दिखना ऑफ स्क्रीन एग्जैक्टली क्योंकि आई फील लाइक अब जितना ज़्यादा यू नो डालोगे सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा आपको एक्सेस बाकी सबको एक्सेस मिलेगा टू सेव things about you and I don't know ki main abhi kitni strong hui hu ki main har kism ki baat sun lu you know what I mean so I don't think I even want people to know too much or how do you see other stars other actors international ya local jo bhi hain wo agar opt karte hain certain cheezon ke liye for example dobara agar cosmetic procedures agar koi karata hai how do you see that personal choice agar aapko karwana hai to why not You know, I mean, sure, go ahead. आपकी बॉडी है आपका चेहरा है आपके बाल हैं आपने जो करवाना है करवाओ अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस में यू नो बेहतरी आएगी आपको लगता है कि अगर आपके काम में बेहतरी आएगी अगर आप अपने आपके बारे में बेहतर फील करोगे यू नो बाय ऑल मींस गो अहेड कुबरा खान हमारे साथ मौजूद हैं लेडीज एंड जेंटलमैन टाइम हुआ एक बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक से आते ही हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे कहीं जाइएगा मत हाँ जी मैं हूँ हसन चौधरी आप देख रहे हैं द बिग पिक और कुबरा अभी भी यहीं मौजूद है कहीं गई नहीं है और टाइम हुआ है एक बड़े मजे की एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं अपने गेस्ट के साथ ओके हम आपके इंस्टाग्राम पे जाते हैं आप ही के इंस्टाग्राम से आप ही की एक पिक्चर निकालते हैं और आप ही को दिखाते हैं कोई इसमें नई बात नहीं ओके आप ही की पिक्चर आप ही का सारा कुछ हमारा कोई लेना देना ओके पहली पिक्चर दिखाएं जी ओए ओए कुबरा खान ने ये तस्वीर लगाई और उन्होंने लिखा व्हेन यू ऑल ड्रेस्ड अप रशिंग टू लीव द हाउस और गोल गप्पे वाले भाई सामने आ जाएं हैशटैग हम बेवफा हरगिज ना थे हैशटैग खुशी ये जो कैप्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस पिक्चर पे आए हुए कुछ कॉमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा oh God, okay. जी पहला कॉमेंट गोल गप्पे वाले कैप्शन में हम बेवफा हरगिज ना थे हैशटैग की समझ नहीं आई अच्छा मिफ्रा ने ये सवाल पूछा आपसे अच्छा मिफ्रा जी सवाल ये है कि जब आप फूडी होते हो ना तो आप खाने को इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन जब आप जल्दी में होते हो तो आपको थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है तो मैं ये गोल गप्पों को कह रही हूँ कि हम बेवफा हरगिज ना थे लेकिन आई हैव टू गो दैट्स व्हाट इट इज अच्छा तो ये आपने गोल गप्पों के साथ बेवफाई की है आई फेल्ट कि मैंने की है अरे यार गोल गप्पों के साथ कौन कितनी आप कितना आपका कठिन दिल है कठिन कितना आपका सख्त दिल है कि आपने गोल गप्पों के साथ बेवफाई एक और हाँ जी और जो खुशी हैशटैग है वो मेरे कैरेक्टर का नाम है आपके कैरेक्टर का नाम है आने वाले कैरेक्टर का हाँ हाँ वो दो ड्रामों या एक फिल्म में से किसी एक नहीं 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 वो एक टेलीफिल्म है वो एक टेलीफिल्म है जो कि हम ईद पे फिर इंशाल्लाह देखेंगे मिस्टर कादिर खान ने कहा कि आपके हेयर तो ब्लैक था ना आर्मी ट्रेनिंग ऑफिशियल में सो बेसिकली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज मैं आपके इंस्टाग्राम पे जा रहा था और भी कॉमेंट्स आएंगे इट अपीयर्स के पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कुबरा खान एंड एलसी महाजबीन आपको भी ये महसूस हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल लोग ये भी कहते हैं कि मतलब समझ नहीं है यहाँ पे ट्रेनिंग करी वहाँ पे आतिफ के साथ है I've read this, by the way. I've actually read this. मैंने एक कमेंट और भी पढ़ा कि जल्दी कैसे चली जाती है सैटरडे को यहाँ होती है संडे को वहाँ होती है कि मैंने एक और कमेंट पढ़ा बोल यार हमने किसने कहा कि कंफर्म्ड आप टेलीपोर्टेशन आपको आती है कि आप एक दिन इधर हैं और एक दिन इस सेट के ऊपर है एक दिन आप लंदन हैं और एक दिन आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई विश आती होती तो इनको क्या कादिर खान को क्या आप जवाब देना चाहिए मिस्टर कादिर खान को बस ये कहूंगी कि ये जब शूटिंग करते हैं हम तो वो आप जब देखते हैं तो महीनों बाद देखते हैं
तो हाँ उस टाइम बाल काले थे, लेकिन अब तो वो एक्चुअली फिर आपका एक हेयर कलर था और हाँ, फिर आपने उसको चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था मेजर जो सामिया है उनके वैसे ही बाल हैं जैसे एलसी माजबीन के पहले थे। उनको देख के बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी। अच्छा जी, अगला क्या कमेंट है? Someone please call the bomb disposal squad because you just dropped the bomb. Hungry since 1994. बंदे ने खाना नहीं खाया 1994 से और वो फिर भी कह रहा है कि यार ये कुबरा खान ने बॉम्ब ड्रॉप कर दी। कुबरा कैसा लगता है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं? I just laugh because they're cute. मुझे क्यूट लगते हैं, लेकिन मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ, पहले बहुत पढ़ती थी। लेकिन आई थिंक वन ऑफ द रीजन आई रियलाइज कि अफेक्ट कर रही थी मुझे कमेंट्स वाज बिकॉज़ आई वाज। तो ऐसे अच्छे-अच्छे कमेंट्स कभी नहीं आपकी नजरों में? इनमें बुरे भी आएंगे ना, फिर वो कौन को कौन ध्यान देगा? नहीं, अच्छा अगला चलाएं भाई, कोई क्या कमेंट है अगला? द फिल्टर्ड मॉर्निंग सन गिविंग मी लाइफ, हाउ स्वीट, हैशटैग होम। अपनी इन नशीली आंखों को जरा झुका दीजिए मोहतरमा, हमारे मजहब में नशा हराम है। खालिद दिस साइड, तो खालिद दैट साइड, खालिद दैट साइड ना देखें आप। नहीं, आई थिंक वो उन्होंने फूल भी भेजा और दिल मुरझाया हुआ फूल है, वो उनको पता नहीं लगा कि मुरझा गया है और आप तक पहुंचे। मतलब बाहर भी जाने, लेकिन सर्दी भी लग रही है इनको। ये बात है कि रेनबोज भी है, हार्ट्स भी है, रेनबोज भी हैं, वो सैड भी हैं, और फिर फूल उन्होंने भेजा जो आप तक पहुंचते पहुंचते मुरझा गए। हां, बट आई थिंक आउट ऑफ लव उन्होंने। दैट्स वेरी स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट। तो खालिद दिस साइड को आप, खालिद थैंक यू, खालिद थैंक यू, खालिद थैंक यू, खालिद। अच्छा जी, अगला क्या कमेंट है? एलसी माजबीन, आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। शहजाद फाल्कन को ये बात बुरी लगी है कि आप, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल, आपके साथ जो जुल्म हो रहा है वो अच्छा नहीं। दैट्स नॉट अ वैलिड रीजन, बट थैंक यू। बट यू सी अगेन, एलसी माजबीन, सो लाइक यू नो दे थिंक दैट यू आर एलसी माजबीन। हाँ, मुझे लिटरली यही होता है, एवरी सैटरडे मुझे माजबीन की चीजें आती हैं और संडे को शहजाद की आती हैं, और बाकी पूरा हफ्ता कुबरा। ये तो फिर भी ठीक है, मशल के दौरान तो गालियां आती थी। आप वैसे तो बहुत अच्छी, लेकिन दिल करता है कि आपका चिपेड़ा से मुंह लाल कर दिया जाए। I'm just like really so sad. Like, yes. लेकिन actually सही है तो, लेकिन उसमें हाँ, अच्छी बात है कि डिफरेंशिएट किया था। हाँ, तो लाइक कुबरा आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मशल को थप्पड़ मारना। हाँ, actually हाँ, when you say that way, वो अच्छी बात है। हाँ, इसमें उनको लग रहा है कि माजबीन भी आप ही हैं, शहजाद भी आप ही हैं। लेकिन मैं एंजॉय करती थी मशल के क्रिटिसिज्म को, दैट वाज द होल पॉइंट। हां, बहुत एंजॉय किया मैंने इसको तो। अच्छा जी, ब्यूटी कैनॉट बी मेजर्ड इन मेगा पिक्सल्स, यूर स्टनिंग। ओए होए, एबी डॉट के के, थैंक यू एबी के के। बस अब आप सब शुक्रिया अदा, इतनी तारीफें हो रही हैं आपकी। वो उस लड़के ने ये कह दिया कि भाई डिसाइफर किया है उसने अपना टेलीस्कोप लगा के कि ये इतनी ब्यूटी है कि ये मेगा पिक्सल में मेजर ही नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा मेगा पिक्सल हो तो शायद मेजर हो सके, तो बड़ी स्क्रीन पे देखे। बड़ी स्क्रीन पे देखे। हाँ जी, तराना सीख लो यार, 2-3 क्लास की बुक के भी पीछे लिखा होता है स्पैम 9-7। उनका नाम ही स्पैम, नाम ही स्पैम है उनका। लेकिन ये बताया मुझे, इस ये जो आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट सीन था ड्रामे में कि एलसी माजबीन को तराना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, असल में आपको असल में आता है मुझे। मेरी अम्मी, ये सीन था जब मैं लंदन में थी, राइट, मैं बाहर थी, एपिसोड खानम देखी और मैं वापस आई हूँ, शी सिटिंग विद मी एंड शी लुकिंग एट मी, राइट। तो मैंने कहा खानम क्या हुआ? तो शी वाज लाइक, तुम्हें असल में तो तराना आता है ना? I was like, खानम असल में तो मुझे आता, like my mom even thought कि मैं तराना नहीं आता। You call your mom खानम? Yes, I call my mom खानम. How sweet. Yeah. What does खानम mean? It means lady out of respect. तो मैं बचपन से उनको खानम बुलाती हूँ। खानम. How sweet यार. How sweet. अच्छा, तो फिर खानम को आपने बताया कि आपको आता है? उनको पढ़ के सुनाया मैंने। सुनाया फिर आपने? ये मेरी आपकी सबसे फेवरेट पिक्चर थी। This is my, I am not trying to pout. I don't know the mechanics behind it, so please don't ask. It just happens. Okay, thanks. Bye. Lazy Sunday. Yeah, look at this picture now. Thank you. और मैंने ये देखे कुछ कमेंट्स और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। वापस जाएं जी, स्किन पे जाएं वापस। कितनी अच्छी स्किन लग रही है। क्या राज है आपकी? एक्सफोलिएट किया था मैंने और सूरज की रोशनी सीधा मुंह पे मारी थी अपने। एक्सफोलिएट क्या होता है? It's like when you clean your cosmetic procedure। देखें हम आ गए। नहीं, कॉस्मेटिक नहीं है। क्या होता है मुझे क्या पता? एक्सफोलिएट लाइक स्क्रब वगैरह यूज करना और डेड स्किन को ना बिल्ड होने देना, साफ करना अपने से। इतना तो होना भी चाहिए यार, एक्टर्स हैं भाई, कैमरे के सामने आना होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इतना तो जरूरी है। अच्छा, स्किन देखें कैसे मेरी ग्लो कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो यहाँ आके फिर गंद जमा हो गया स्किन के ऊपर। हैशटैग माशाल्लाह। थैंक यू। कमेंट दिखाएं जी, माजबीन अपनी ट्रेन। यार ये क्या, जो भी कमेंट उठाए वो माजबीन आ रहा आगे से, ये क्या चक्कर है? मानूर मानो बैन को आप बताएं कि आप माजबीन नहीं है भाई, कुबरा है। मानूर मानो बैन, मानो बन, मानो बन, मानो बन,
मैं महजबीन नहीं हूँ, मैं कुबरा हूँ, लेकिन अभी के लिए ठीक है, अभी आई लेट यू बी ठीक है। वो कह रही है अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करे, सेल्फी ना खींचे जी। अगला कमेंट, लाइक्ड बाय इब्राहिम, इब्राहिम राशिद 783 सेड लाइक्ड बाय, ये तो उन्होंने खुद की नोटिफिकेशन भेजी है, उन्होंने कहा इब्राहिम राशिद 783 ने बोला कि लाइक बाय इब्राहिम, ने अपने आप को तीसरे बंदे की तरह मुखातिब किया ना इसने। हाँ, उन्होंने कहा कि और तीन लाइक्स भी हैं उनके उस पे। हाँ। तो लोगों को भी उनका डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पे जाके अब उनमें से एक लाइक उनका खुद का होगा शायद। इब्राहिम के लिए क्या, मेरा भी लाइक आपको, इब्राहिम का कुबरा की तरफ से भी इब्राहिम आपको लाइक मिल गया, मुबारक हो यार। ओ अच्छा, ये दो मैंने आपकी पिक्चर्स निकाली, कैप्शंस मुझे आपके बड़े मजे के लगे। ये आपने लिखा, जो किताब अकल की ताक पर सो वही धरी थी कि धरी रही। हाँ। ये आपने इतनी गहरी बात इस पिक्चर के साथ लिखी, इसके पीछे क्या ख्याल था आपका, सोच आई आपको? ये शायर, शायर, शायर भी हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये गाना है, मुझे पता है, लेकिन क्या क्या वजह है कि आपके अंदर ये एक आई? मुझे जिस तरह के गाने मुझे पसंद है ना, वो वही हैं जो हिट मी लाइक अ ट्रेन। ओके सॉरी, मस्ट व्हाट जस्ट केम आउट, लेकिन आते मुझे इस तरह के गाने पसंद है जो रूह को जाके टच करते हैं। और ये एक ऐसा गाना है जिस I've just been obsessed. Yeah, with it. One of your favorite songs. One of my favorite, yeah. Khabare rahi aur ishq sun. Sweet. Yeah. एक और वो पिक्चर है, उसमें भी आपने वो नजर में आके ठहर गए जो ना लब से दर्द बयान हुए संगी माँ। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर भी हाँ, I feel like आज के दौर में हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी लंबी लंबी दीवारें बना लेते हैं अपने सामने और मुस्कुराते भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी आंखें बता देती हैं। मुझे काफ़ी लोग, I'll tell you a funny thing, लंदन नहीं जाऊंगा जब मुझे ऑफ़र हुई तो नदीम भाई ने कहा कि यू डूइंग इट, दैट्स इट। तो जब हम कर रहे थे लंदन नहीं जाऊंगा शूट, तो मैंने पूछा उनसे कि वाई मी, तो उन्होंने कहा बिकॉज यू हैव सैड आईज, लाइक ओके। So I think that's it's a good thing, I guess. आपने कभी आईने में देखी है अपनी आंखें, मुआयना करने की कोशिश की है sad eyes हैं या नहीं? नहीं, जब मैं आईने में देखती हूँ पता क्या होता है, if you look at yourself for a little bit, आपके चेहरा deform हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में आप ही के साथ होता है खाली। नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। शीशा लेके आया, I swear, let's try this with you. ये फोन है ना हमारे पास? नहीं, फोन पे नहीं, शीशा, फोन पे नहीं होता। अगर आप शीशे को देखेंगे ना, अपनी आंखों में देखेंगे अगर आप एक मिनट के लिए, तो आपका पूरा चेहरा डिफॉर्म हो जाएगा अचानक से समय से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो आपकी आंखों के थ्रू आपके सोल में झांका जा सकता है या नहीं? हाँ, इसे फनी बात यह है कि मेरा आई कॉन्टेक्ट बहुत बुरा है, एंड आई थिंक इसकी वजह यही है शायद। नहीं, मेरा आपका आई कांटेक्ट ठीक रहा है इस इंटरव्यू में, अच्छा रहा है, मुझे लगा कि हमने अच्छा होता क्या है कि आई विल बी लुकिंग एट यू और सेंटेंस के बीच में आई लुक अवे समवेयर। ये चीज मैंने खुद नोटिस की अपने बारे में कि मैं आई कांटेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता मेरा, बिकॉज व्हेनेवर आई एम लुकिंग मैं खुद ब खुद। तो आप किसी को मौका ही नहीं दे रही कि वो आपकी आंखों के थ्रू आपके सोल के अंदर झांक सके। बिल्कुल यही है। थैंक यू सो मच कुबरा फॉर जॉइनिंग मी, फॉर बीइंग माय गेस्ट। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था, आई एम श्योर लोगों को भी रियलाइज हुआ होगा यू आर एक्चुअली सो वार्म, और वो जो आपके अंदर वो एक एनर्जी है वो बड़ी कंटेजियस ही है। तो हमेशा बहुत मजा आता है आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, आपको बहुत बहुत अच्छी नेक तमन्नाएं। लंदन नहीं जाऊंगा तो हमें उम्मीद है कि हमें बड़ी ईद पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। आप लोग जा रहे हैं स्केड्यूल पे, ये भी हमें पता है, पता नहीं हम बता सकते हैं या नहीं, लेकिन अब हमने बता दिया है, बता दिया अब हमने बता दिया कि अब जा रहे हैं। बट आपकी जो दो ड्रामे भी है आप सोच रही हैं पिक करने के लिए, उम्मीद है वो भी सबको देखने को जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जाने से जाते जाते कोई मैसेज अगर आप अपने फैंस को देना चाहें तो? फैंस को बस ये कहना चाहूंगी कि आई मीन, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑनेस्टली बहुत घिसी पिटी बात है अब तो, लेकिन आई वेक अप और जब अपना फ़ोन खोलती हूँ, सो जस्ट नो कि जब मैं उठती हूँ अपना फ़ोन खोलती हूँ, तो जो स्माइल मेरे चेहरे पे आती है वो आप लोगों की वजह से है। सो थैंक यू फॉर दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज कुबरा खान, और मुझे पूरी उम्मीद है जितना मज़ा मुझे उनसे बात करने में आया, उतना ही मज़ा आपको हमारी ये गुफ्तगू सुनने में आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें टीवी वन का, मुझे Instagram पे फॉलो करें। पता नहीं अश्विन भाई वो पट्टी क्यों नहीं चला रहे, मेरे Instagram हैंडल वाली कम पड़ गई है, क्या वजह है पता नहीं, कि क्या मसला है। प्लीज़ मुझे Instagram पे फॉलो करें ताकि वहाँ पे भी आपका फीडबैक मैं पढ़ सकूँ, मैं देख सकूँ, और हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें, और आपके फेवरेट मजीद फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को हम बुलाएं।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।